दोस्तों, अगर आप लोग कभी घूमने निकलना है और किसी से आप लोगों को मिलने जाना है, तो आप लोग सबसे पहले उस इंसान को बोलते हैं कि यार अपनी एक बार लोकेशन शेयर कर देना। और फिर आप लोग क्या करते हैं, उस लोकेशन को पकड़ते हैं और उस लोकेशन को पकड़े पकड़े उस डेस्टिनेशन पर आप लोग पहुंच जाते हैं, उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप लोगों को फाइनली पहुंचना होता है। तो ऐसे ही जो रास्ता आप लोगों को, वो बेसिकली जो लोकेशन शेयर की गई थी उसके थ्रू आप लोगों ने पकड़ा था, सेम यही फंडा आप लोगों को यूपीएससी में फॉलो करना है और वो काम आप लोगों का करेगा यूपीएससी का सिलेबस। तो मैं आज के इस लेक्चर के अंदर में जो यूपीएससी का सिलेबस है उसके बारे में आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। प्रीलिम्स के लिए क्या सिलेबस है, मेंस के लिए क्या सिलेबस है, अगर एसए है तो उसको हम लोग कैसे कवर करना है, एथिक्स का भी क्या कोई सिलेबस है या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या मुद्दा है, तो मैं आप लोगों से यहाँ पर एक ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ। और आखिर क्यों, क्योंकि जब से नोटिफिकेशन आए मैक्सिमम जो भी मेरे पास में अभी फिलहाल जो क्वेश्चन आ रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि सर एक बार सिलेबस के बारे में बता दो, या फिर आधों को तो ये भी नहीं पता है, बहुत सारे जो नया नया अभी तैयारी स्टार्ट करने स्टार्ट किए हैं कि सिलेबस मिलता कहाँ पर है, तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन है। तो देखिए यार, ये जेन्युइन है, कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। अगर कुछ पता नहीं है तो उसको पूछो, अगर कोई बता नहीं रहा है तो सर्च करो, तो अपने आपको कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर करके आप लोगों को आगे बढ़ना है। अगर डाउट क्लियर किए बिना आगे बढ़ गए तो वो फिर आप लोगों के आगे आएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जब आप लोग चलते हैं ना कहीं पर, आप लोग जूता पहन के चलते हैं और जूते में कंकड़ आ गई, अब भाई साहब जब तक उसको निकाल के आप लोग फेंकोगे नहीं बाहर, जब तक वो कंकड़ जो है वो आप लोग के पैर में अटकी रहेगी, ठीक है, और जहां जहां पर भी आप लोग जाओगे आप लोग को वो दिक्कत पहुंचाती रहेगी। तो क्यों ना सबसे पहले उस कंकड़ को निकाल के फेंका जाए। तो वो कंकड़ है आप लोगों का सिलेबस, जब तक आप लोग उस सिलेबस को ढंग से नहीं पकड़ेंगे तब तक आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे यूपीएससी के बारे में प्रॉपर वे में। और सिलेबस के साथ साथ में एक सजेशन मैं आप लोगों को दूंगा, जो एक्सपीरियंस के बेस पर अगर मैं बात करूं, या फिर आप लोगों ने टॉपर्स की वीडियो भी सुनी होगी, कि पुराने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को एग्जाम के बारे में एग्जैक्ट चीजें बताएंगी कि आप लोग एग्जाम को कैसे लेकर चलना है। और अगर ये चीजें आप लोगों ने माइंड में एक बार सेट कर ली तो ये समझो मैक्सिमम टेंशन जो है वो आप लोगों की दूर हो गई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा कि सिलेबस आप लोगों को कहां से लेना है। तो जैसे यूपीएससी का नोटिफिकेशन आप लोग खोलेंगे तो उसका जो पेज नंबर 28 है वहां पर अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को सिलेबस जो है वहां से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि पेज नंबर 28 पर आप लोगों को यूपीएससी के द्वारा अपना जो कंप्लीट सिलेबस एग्जाम के लिए यहां पर प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है, तो यहां से आप लोगों का जो सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा पेज नंबर 28। तो सबसे पहले वहां से जाकर आप लोग इसको प्रिंट आउट वगैरह भी कर सकते हैं। तो सारा सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड यहां पर करा रखा है। स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों के सामने जो सिलेबस है वो है प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है जब यूपीएससी का आप लोग पेपर देना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है आप लोगों का प्रीलिम्स। तो जो ये प्रीलिम्स होते हैं इसके अंदर आप लोगों को दो पेपर देखने को मिलते हैं। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा इस बारे में भी, ठीक है, जो कि अभी अभी पढ़ाई करना स्टार्ट किए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक चीजों को लेकर चलता हूं ताकि जिसको पता है उसको तो सही बात है और जिसको नहीं पता है उसको भी पता चल जाए। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बातें बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर जैसे आप लोग जाएंगे और आप लोग देखेंगे यहां पर सिलेबस के बारे में, तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो आप लोगों के सामने निकल कर आएगा। और प्रीलिम्स में भी आप लोगों को दो पेपर देखने को मिलते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग पेपर देने जाते हैं तो प्रीलिम्स के दो पेपर होते हैं, आप लोग पूरा बोरिया बिस्तर लेकर जाते हैं, यार सुबह को ये पेपर होगा और शाम को वो पेपर होगा। तो इस पैटर्न में आप लोगों का मॉर्निंग में पेपर होते हैं वो बोलते हैं पेपर वन, जीएस पेपर वन नॉर्मली बोल देते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोगों को 200 मार्क्स का देखने को मिलता है, 200 मार्क्स का रहता है, 200 नंबर का रहता है और 2 ही घंटे का रहता है। पर लेकिन क्वेश्चन कितने रहते हैं, क्वेश्चन इसमें 100 रहते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। और इसमें क्लियरली आप लोगों के पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या एरिया है जहां से आप लोग क्वेश्चन बन सकते हैं। सिलेबस मैंने अभी बताया आप लोगों को, सिलेबस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आप लोगों के पुराने क्वेश्चन पेपर, ये हमेशा आप लोगों की टेबल पर होना चाहिए। और पुराने क्वेश्चन पेपर मिनिमम 10 साल के तो आप लोग रखेगा अपने पास में, ठीक है। तो 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को एक जिस्ट दे देंगे जिससे आप लोग एक अंदाजा चीजों का लगा पाएंगे। अगर उससे ज्यादा भी कर सकते हैं तो आप लोग आगे बढ़िए। और मैं तो एक सजेशन और दूंगा छोटा सा, कोई भी मार्केट से टेस्ट सीरीज खरीदने से पहले आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करिए। अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं तो ही आप लोग किसी भी टेस्ट सीरीज की ओर बढ़िए। जब तक पुराने क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, क्योंकि उससे आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा जो टेस्ट सीरीज आप लोग लगाने वाले हो, जो भी टेस्ट सीरीज आप लोग मार्केट में लेने वाले हो, क्या उसका लेवल ऐसा है जो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर कोई और ही दुनिया में चीजें चल रही हैं, फिर आप लोग दिक्कत फेस करोगे। तो हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखिए, टाइम और मनी दोनों आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल भी गलत तरीके से गंवाना नहीं है, ठीक है। बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। तो पहला पेपर जो है उसके अंदर आप लोगों को जनरल स्टडी कवर करना पड़ता है। तो इसके अंदर स्टार्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को देखने को मिलती है वो है करंट इवेंट, करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। देखिए कहने के लिए एक लाइन लिख दी गई यहां पर छोटी सी, करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग बात करेंगे,
कभी कभी यहाँ पर 40% और कभी कभी 50 और कभी कभी 60% तक जो पेपर होता है वो करंट अफेयर के बेस होता है। जैसे मैं आप लोगों को दो वीडियो डेली लेकर आता हूँ, एक में हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं कंप्लीट, और एक में हम लोग पीआईबी ऑल इंडिया रेडियो या फिर अलग अलग न्यूज़पेपर के या मैगजीन के आर्टिकल कवर करते हैं। तो उसमें आप लोगों ने एक नोटिस की होगी चीज छोटी सी, जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ पढ़ाते टाइम, कि आप लोग जब भी कोई भी टॉपिक पढ़े करंट का तो उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जरूर पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी ने खेलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि नॉर्मली क्या करते हैं बहुत सारे लोग, क्या करते हैं अपना करंट पढ़कर चले गए और अपना चीजें तैयार कर लिया, और बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे ही काम कराते हैं। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि करंट के बैकग्राउंड में जाके स्टैटिक पोर्शन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कि मान लीजिए किसी हिस्ट्री के हिस्टोरिकल कोई इंसिडेंट आ गया, ठीक है, तो मान लीजिए कहीं पर ना ऐसे, जैसे आप लोग मान लीजिए आज के में अगर बात करें, आप लोगों ने सोचा कि दिल्ली में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उस कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से कुतुब मीनार को कुछ ठेस पहुंच गई, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों से ये नहीं पूछे किस कंपनी ने कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया और कुतुब मीनार को ठेस पहुंच गई, वो आप लोगों से कुतुब मीनार की हिस्ट्री, कुतुब मीनार की कल्चर इंपोर्टेंस, वो चीजें आप लोगों से पूछना स्टार्ट कर देंगे, कल्चर पॉइंट में जाकर घुस जाएंगे। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, इसी तरीके से लोकेशन में घुस जाएंगे जाकर, कहीं पर कोई ज्वालामुखी फटा तो आप लोगों ने देखा अभी रिसेंटली कोई कंट्री ने अपनी कैपिटल चेंज की, जैसे कौन सी कंट्री ने कैपिटल चेंज की अभी बताया था मैंने आप लोगों को, तो उसका मैंने आइलैंड आप लोगों को बताया था कि इस आइलैंड पे से उस आइलैंड पे चले गए। नॉर्मली लोग तैयारी क्या करते हैं, वो बोलते हैं अच्छा कैपिटल पहले ये थी अब ये हो गई, ठीक है, पर लेकिन वहां पर क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे, कौन से आइलैंड पे थी पहले कैपिटल अब कौन से आइलैंड पे हो गई, थोड़ा सा और अंदर घुस जाएंगे जाकर। तो इस तरीके से यूपीएससी आप लोगों के साथ में खेलना स्टार्ट करती है। अगर आप लोगों से यहां पर प्रॉपर वे में तैयारी करनी है तो करंट को तो बेस बनाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। आप लोग अगर आंसर राइटिंग में भी आप लोग जाएंगे ना, आप लोगों 70-80% जो पोर्शन है वो करंट का ही देखने को मिलेगा, तो करंट तो बिल्कुल भी कोताही नहीं आप लोगों को बरतनी है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का करंट, जिसके बारे में बात करें नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का। नेक्स्ट आप लोग पॉइंट बात करेंगे तो यहां पर बात रखिए हिस्ट्री, और हिस्ट्री में क्या क्या, यहां पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक अलग टॉपिक बता दिया है, और दूसरा पूरा अलग टॉपिक हो गया यहां पर इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है, इनके फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो होता है ना, पूरा जो हमारा स्वतंत्रता का जो हमारी क्रांति चली है उसके बारे में बात की जा रही है। तो हिस्ट्री में यहां पर क्या जाएगा इंडियन हिस्ट्री में, जैसे कि आप लोगों का एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, ठीक है, और मॉडर्न में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों का पूरा अलग से ये लिख दिया इनके द्वारा नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा यहां पर, तो पॉइंट को समझना है उसके बेस पर काम करना है। जब तीसरे पॉइंट में आप लोग जाएंगे तो यहां पर बात कर रखिए इंडिया और वर्ल्ड। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है, हिस्ट्री में आप लोगों को वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही है, पर लेकिन ज्योग्राफी के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया है कि इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहां से देखिएगा इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बारे में बात की जा रही है यहां पर, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी के, नॉर्मली अगर फोकस करें यहां पर फिजिकल हो गया, इसी के साथ में सोशल हो गया, फिर इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो यानी कि कहां कहां पर आप लोगों ने कई बार सुना है कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कहां कहां पर कौन सी पर्वतमालाएं हैं, कहां कहां पर कौन से दर्रे हैं, कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने इनके देखे होंगे, और कई बार यहां पर आप लोगों से इससे एग्रीकल्चर को जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं ना अपने सिलेबस के अंदर में, तो खासकर आप लोग अगर उसकी ज्योग्राफी पता है उस एरिया की, ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि दोमट मिट्टी कहां पर होती है, ठीक है, एलुवियल सोइल कहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है, रेड सोइल आप लोग कहां पर देखने को मिलती है, और अगर आप लोगों को ये पता है रेड सोइल कहां पर मिलती है तो आप लोगों को ये पता होगा कपास की खेती कहां पर होती है फिर, तो जहां पर ये चीजें इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कहते हैं कॉमन सेंस यूज करना स्टार्ट करना, और यूपीएससी आप लोगों से एक्सपेक्ट करती है कि आप लोग इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करना जानते हो। अगर आप लोग इनको इस तरीके से कनेक्ट नहीं करोगे, जो आप लोग सिलेबस है उसको रीड बिटवीन द लाइन तरीके से नहीं देखोगे, तो फिर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए उसके अंदर घुसकर आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आप लोग करंट बता दिया, हिस्ट्री बता दी और ज्योग्राफी बता दी। जो चौथा नंबर पॉइंट है यहां पर, ये उसमें पॉलिटी और गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम अगर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों से, जैसे मैंने आप लोगों को जब लक्ष्मीकांत की पूरी किताब पढ़ाई तो इसमें लगभग 180 से ऊपर लेक्चर मैंने ले रखे हैं, तो उसमें मैंने सबसे ज्यादा जो फोकस दिया आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग पूरे लेक्चर बनाए उसके ऊपर, पंचायती राज सिस्टम के ऊपर दो लेक्चर मैंने बना रखे हैं, और फंडामेंटल राइट के ऊपर तो मैंने आर्टिकल के ऊपर लेक्चर बना रखे अलग अलग से, ठीक है, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो आर्टिकल के अलग अलग लेक्चर मैंने बना रखे हैं आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बींग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते भी जब आप लोग इंटरव्यू में जाकर बैठेंगे ना यार, उस टाइम पर आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों से इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोगों को नॉर्मली जब तक आप लोग उनके बारे में सोचोगे नहीं आप लोग आंसर ही नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये मैं एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूं, वहां पर आप लोगों को घुमाने की कोशिश की जाती है कई बार कि हाँ देखे इस टॉपिक के बारे में इंसान क्या सोचता है, और खासकर कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन आप लोगों के खासकर अगर जो एजुकेशनल बैकग्राउंड से होगा या फिर आप लोग जहां से ज्योग्राफी से आप लोग निकल कर आते हैं वहां पर होगा, जैसे वुमेन का इशू पूछ ले आप लोग आते हैं मतलब निकल के कुछ ऐसे, जैसे हरियाणा से निकल कर आप लोग आते हैं
तो हरियाणा में जैसे कि सेक्स रेशो काफी एक तरीके से डाउन रहता है, तो उसकी वजह से पूछ लेंगे आखिर क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसकी तरीके से आप लोगों का एक माइंडसेट पढ़ने की कोशिश की जाती है। तो ये आप लोगों को यहां पर बताएगा आप लोगों का पॉलिटी वाला सेक्शन, अगर आप लोग इसको प्रॉपर वे में तैयार करेंगे तो सही तरीके से चीजें आप लोग समझ पाएंगे। तो यहां पर ये बकायदा लिख रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी के बारे में लिख रखा है यहां पर इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है SDG जिनको आप लोग बोलते हैं, टोटल कितने गोल है बताइए जरा, डेली एक बार मैं जिक्र कर देता हूं किसी ना किसी वीडियो के अंदर उनका, तो टोटल कितने गोल है बताइए जरा। तो वे जो गोल है चलिए 17 गोल है, उनके अंदर कितने वहां पर जो एक तरीके से टारगेट दे रखे हैं वो आप लोग बताइए। तो उसके अंदर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, चीजों को सस्टेन करके चलना, यानी कि आज जो चीजें हैं हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ रखे हैं पेड़ पौधे, अगर हमारे पूर्वज सबको एक तरीके चट करके चले जाते, साफ करके चले जाते, तो क्या ये सारी चीजें आज अवेलेबल होती हैं? हम लोग तरस रहे होते हैं यहाँ पर इस तरीके की चीजें देखने के लिए, पर लेकिन आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग क्या करके जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल खात्मा करके जा रहे हैं। तो सस्टेनेबल चीजें नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं, गरीबी कैसे मिटानी है, सबको साथ में कैसे लेकर चलना है, यानी सबके साथ सबका विकास। इसके साथ में यहाँ पर डेमोग्राफी के बारे में बात की जा रही है, पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, सोशल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। जब भी सोशल सेक्टर वर्ड आ जाए दो टर्म आप लोगों के माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए, वो क्या है, वो है सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो है एजुकेशन और दूसरी है हेल्थ। हालांकि हेल्थ को पहले रखा जाता है एजुकेशन को बाद में, क्योंकि अगर हेल्थ सही रहेगी तो ही बंदा जो है वो ढंग से एजुकेशन अपनी ले पाएगा। तो हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसी चीजें जो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए आप लोगों। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर जनरल इशू, ये याद रखिएगा यहां पर एनवायरमेंट को अलग से फोकस दिया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है आज के टाइम में हम लोग कितनी त्राहिमाम कर रहे हैं। खासकर अगर बात करें, आप लोगों ने रिसेंटली अभी सुना होगा कि जो अमेजन फॉरेस्ट है ब्राजील के अंदर में बर्बाद हो रहे हैं, अपनी कंट्री वेस्टर्न घाट के बारे में बात करोगे बर्बाद हो रहे हैं। इसी के साथ में जहां जहां डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पढ़ा था, कई सारे आर्टिकल भी आए थे दैनिक न्यूज़पेपर के अंदर और उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई सारी कमिटीज के बारे में कि जिस तरीके से अभी यहां पर रोड का डेवलपमेंट किया जा रहा है खासकर चार धाम को कनेक्ट करने के लिए, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है यहां पर। तो बैकग्राउंड की हिस्ट्री के साथ में यहां पर लैंडस्लाइड के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, तो ये सारी चीजें एक तरीके से पढ़ाई जाती है आप लोगों को, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर आता है उसका बैकग्राउंड आप लोगों से पूछा जाता है फिर वहां पर, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, अगर आप लोग देखोगे ढंग से, ठीक है। इसी के साथ में बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में यहां पर बात की जा रही है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर बकायदा एक लाइन में लिख दी गई है यूपीएससी के द्वारा कि डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। वो आप लोग को चाहते हैं जर्नल तरीके से चीजों को जाना, मतलब आप लोगों को एक जर्नलिस्टिक फॉर्म में उनका व्यू होना चाहिए कि अच्छा ये है क्या। तो वो आप लोगों को स्पेशलाइजेशन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो आप लोगों को जर्नलिस्टिक फॉर्म में इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग इस टॉपिक को समझो तो सही, भाई साहब ये टॉपिक है क्या, तभी तो आप लोग चीजों को आगे लेकर चल पाओगे। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर, तो ये लास्ट पॉइंट है यहां पर, ये है जनरल साइंस। जनरल साइंस मतलब जैसे एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी होगी कि न्यूटन्स के लॉ ये हैं, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो मांगते हैं कि आप लोग इनका एप्लीकेशन समझें, एप्लीकेशन किस तरीके से इनका हो रहा है, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं आप लोगों से कि न्यूटन्स के लॉ के बारे में बताओ कौन सा ये कोई प्रक्रिया है, किसमें कौन सा न्यूटन्स का लॉ बनता है, यानी कि मान लीजिए किसी ने गोली मारी तो गोली आगे भागेगी तो आप लोगों के हाथ को पीछे को झटका देगी, ठीक है। तो यहां पर कौन सा लॉ लगता है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, बताइए चलिए कौन सा लॉ लगता है। तो ये क्या है, ये छोटी छोटी चीजें और ये कहां से निकलेंगे आप लोगों की, ये सारी चीजें आप लोगों की एनसीईआरटी से निकलेंगी, यानी कि अगर एनसीईआरटी आप लोग ढंग से प्रॉपर वे में कवर कर रहे हैं तो ये समझिए कि ये सारा पोर्शन आप लोगों का कवर हो जाएगा। और मैं तो ये बोलूंगा यूपीएससी में जिस तरीके से आप लोग सिलेबस और पुराने क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं उतना ही इक्वल वेटेज आप लोगों को एनसीईआरटी को देना है, क्योंकि एनसीईआरटी देखो यार कैसी कैसी है। जियोग्राफी की एनसीईआरटी आप लोगों को दिखाएगी कहां कहां पर कैसी किस तरीके से मिट्टी है, क्या क्या रिसोर्सेज पाए जाते हैं। हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप लोगों को हर एक एरिया की हिस्ट्री बताएगी, कल्चर बताएगी, कहां कहां पर कैसी इकोनॉमी रही है तो इस इकोनॉमी कैसी रही है पैटर्न में वो आप लोगों को समझाएगी। साइंस आप लोगों को यहां पर एक तरीके से ये बताएगी कि यहां पर एक तरीके से जर्नलिस्टिक व्यू एक तरीके से सोचने का तरीका आप लोगों का चेंज करेगी। पॉलिटी आप लोगों को उस एरिया में क्या क्या पॉलिटी रही है, पॉलिटिक्स कैसे रही है, किस तरीके से चीजें चली है वो आप लोगों को बताएगी। हर एक एनसीईआरटी आप लोगों के बेसिक तैयार करेगी। तो इसलिए एनसीईआरटी जो है उसको आप लोग चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उसको अपना पार्ट बनाकर आप लोगों को चलना है प्रॉपर वे में। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं फोकस देके यार, ये चीजें अगर स्टार्टिंग में आप लोग कर लोगे ना तो कभी भी कोई टेंशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो हमेशा इसको आप लोग प्रॉपर वे में स्टार्टिंग में कम से कम आप लोगों को कवर करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहां पर वो है आप लोगों का सीसेट जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये दूसरा पेपर होता है आप लोगों का सीसेट और यहां पर आप लोगों को ये 200 मार्क्स का देखने को मिलेगा। और ड्यूरेशन क्या रहती है यहां पर, ड्यूरेशन लगभग आप लोगों को यहां पर इसकी भी 2 ही घंटे लगेगी, लगभग क्या मतलब 2 ही घंटे रहती है इसकी। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये जो पेपर होता है आप लोगों का यहां पर दूसरा, इसके अंदर आप लोगों को 80 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन है पर लेकिन 2 घंटे के होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये
कि अगर आप लोग पेपर टू को क्वालिफाई कर पाते हो, यानी कि इसमें 33 मार्क्स लेकर आ पाते हो 200 में से, आप लोगों को लगभग यहां पर 66 नंबर के करीब अगर आप लोग यहां पर बेसिकली अपने लेकर आते हो, तो ही जाकर आप लोग यहां पर आप लोगों का फर्स्ट पेपर जो है वो चेक होगा, तो ही आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होगा। यानी कि आप लोगों का सेकंड पेपर जब यहां पर 33 मार्क्स लेकर आप लोग आओगे, तभी फर्स्ट पेपर जो ऊपर मैंने बताया ये यहां पर मार्क्स इसके चेक होंगे और तभी जाकर आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होगा। तो इसलिए इसको जरा सा भी आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको पूरा वेटेज आप लोगों को देना है। सबसे पहले यहां पर बात करें कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। आप लोगों के सामने पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन रहता है, उसमें से पूछा जाता है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 40-45% हर साल पेपर में ही आता है। और जब भी मैं आप लोगों को हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं तो मैं आप लोगों को बोलता हूं डेली एक आर्टिकल पढ़ने के लिए, और डेली एक आर्टिकल मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूं, ठीक है। अगर आप लोग जाकर देखोगे तो आप लोगों को डेली एक आर्टिकल मिलेगा टेलीग्राम पर। जिस किसी को टेलीग्राम के बारे में नहीं पता है, 3 टेलीग्राम ग्रुप है। एक टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों को डेली पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं जितने भी लेक्चर आते हैं इस चैनल के ऊपर। दूसरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं बेसिकली जो भी बेसिक चीजें होती हैं, जैसे आंसर राइटिंग में कोटेशन होती है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में ये बेसिकली एक पर्टिकुलर आर्टिकल देता हूं पढ़ने के लिए। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए जो वोकैबुलरीज होती हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। मेंटल एबिलिटी के लिए कई बार सुडोकू जैसी चीजें भी मैं वहां पर पोस्ट करता हूं, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट लगता है। और तीसरा यहां पर वो है आंसर राइटिंग का। तीनों के जो लिंक है आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो दुनिया भर के बच्चे वहां पर जुड़े हैं, एक दूसरे को मिलकर आप लोग काम कर सकते हैं। तो इनको लाइफ का पार्ट बनाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आप लोगों से चार्ज नहीं किया जा रहा है वहां पर। बस अच्छे से माहौल बना के रखिएगा, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए वहां पर एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तो ये जैसे माहौल अभी बना हुआ है वैसे ही मेंटेन आप लोगों को रखना है। तो कॉम्प्रिहेंशन में एटलीस्ट एक आर्टिकल डेली आप लोगों को पढ़ना है न्यूज़पेपर से खुद से, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप डिस्कशन सुन लिया, तो एक आर्टिकल कम से कम खुद से पढ़ो, जो कि आप लोग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, पढ़ने में आप लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंटरप्रिटेशन स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करते हैं। देखिए आप लोग ना तैयारी अगर ढंग से देखा जाए ना, प्रीलिम्स से ही स्टार्ट हो जाती है, वो आप लोगों को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं हर एक एरिया में, कि आप लोग कुछ पढ़ने के बाद में उसको समझ पाते हो, समझने के बाद में कुछ उसके बारे में बोल पाते हो, आप लोगों की लॉजिकल रीजनिंग कैसी है, आप लोगों की एनालिटिकल एबिलिटी कैसी है, हर एक लेवल पे चेक करना स्टार्ट कर दिया। डिसीजन मेकिंग कैसी, आप लोगों को प्रॉब्लम को जो सोल्व करते हो, ऐसे तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही आप लोग उसके नीचे दबके मर जाते हो या फिर उसके सर पे बैठ जाते हो कि नहीं इसका सोल्यूशन निकाल के छोड़ना है, तो यहां पर आप लोगों को चेक करना स्टार्ट कर देगा। इसी के साथ में यहां पर बात करेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में, चेक करेगा आप लोगों का बेसिक न्यूमरेसी को आप लोग किस तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है। नंबर उसके जो भी यहां पर उससे रिलेटेड जो रिलेशंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, मैग्नीट्यूड, जो भी यहां पर ओनली 10th लेवल का रहता है यार, जो 10th पास करके आए ना हर एक इंसान यहां पर बैठा हुआ है, तो 10th लेवल की चीजें रहती है, बस उनको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाओ, ऐसे आप लोग समझिए, ठीक है। और डेटा इंटरप्रिटेशन काफी ज्यादा जरूरी है यहां पर, कई बार चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, टेबल्स होती हैं, डेटा सफिशिएंसी के आप लोगों से बेसिक यहां पर क्वेश्चन बन जाते हैं, पर सारी चीजें 10th लेवल की रहती है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली अगर कोई भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है यहां पर इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर में, तो सारी चीजें आप लोग यहां पर सॉल्यूशन निकालते हुए नजर आओगे। तो इसको कभी भी आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, इसको हमेशा आप लोग अच्छे से लेकर चलना है। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताया कि 33 मार्क्स इसमें आएंगे तभी आप लोगों का पेपर फर्स्ट जो है वो आप लोगों का यहां पर कंप्लीट होगा, तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उसमें आप लोगों को चूज करना होता है कि हाँ कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है। और देखिए कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मां के पेट से सीख कर आता है, सब पढ़ पढ़कर सीखते हैं, एक दूसरे को जान जानकर सीखते हैं। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह कि आप लोग चीजों को ढंग से एक बार क्लियर कर लेंगे तो वही आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन तो एलिमिनेशन से या फिर अलग अलग तरीके से आप लोग समझ पाएंगे, कॉमन सेंस यूज करके आप लोग सोल्व कर पाएंगे, तो अगर आप लोग उसको समझेंगे। तो इसलिए पुराने क्वेश्चन पेपर सिलेबस इन चीजों को और एनसीईआरटी को गांठ बांध दीजिए, इसके बिना आप लोगों का काम नहीं चलने वाला है। अगर आप लोग प्रॉपर वे में इनको नहीं अंडरस्टैंड करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग यूपीएससी का चरण भी क्लियर कर पाओगे कोई ढंग से। तो इसलिए इनके ऊपर जरूर फोकस दीजिएगा, ठीक है। तो ये यहां पर बताई गई है, पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग कोशिश करोगे एक पेपर में, मतलब ये नहीं लिखा हुआ है यहां पर कि इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ द पेपर, यानी कि प्रीलिम्स में दोनों पेपर में ही आप लोगों को बैठना है, यानी कि एक पेपर में मार्क्स आ गए काफी उससे काम चल जाएगा। तो अगर नहीं होगा तो फिर डिस्क्वालीफाई कोई बात ही नहीं है, फिर तो काम ही खत्म हो गया। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया यहां पर प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस क्या है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, प्रीलिम्स के अंदर दो पेपर होते हैं, दोनों पेपर दो दो घंटे के होते हैं और 200-200 मार्क्स के होते हैं। एक पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और दूसरे पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बात यहां तक क्लियर होगी, अगर हाँ तो बताइए, अगर पता चल रहा है यहां तक क्लियर होगी तो आप लोग बता सकते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कमेंट में बताइए कि हाँ सही है यहां तक समझ में आ गया, या फिर आप लोग वीडियो को लाइक करके भी बता सकते हैं कि हाँ ठीक है यहां तक सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। और यहां तक अगर क्लियर हो चुके हैं तो आप लोग चीजों को समझिएगा और कोशिश कीजिएगा, ये इतना जो मैंने आप लोग पोर्शन दिखाया ना, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप लोग कट कर लेना इसको, मैंने बताया ना अभी कौन से पेज पर है वहां से जाकर कट कर लेना और उसको अपने पास में रख लेना अपनी टेबल पर लगाकर, ताकि प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के माइंड में हो, ठीक है। समझ में आ गया एक पॉइंट, ओके आगे बढ़ते हैं।
जैसे ही आप लोग का प्रीलिम्स जो है वो आप लोग का क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग पहुंचेंगे मेंस के ऊपर। तो मेंस के ऊपर आप लोग जब जाएंगे तो मैं आप लोग को पहले यहां पर बेसिकली ये आप लोग के सामने मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्वेश्चन। बेसिकली जो पेपर आप लोग के होते हैं ना, मतलब एक मेंस का पेपर होता है, उसी से आप लोग को बताता हूँ, जिससे आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ये देखिए टाइम टेबल है सिविल सर्विसेज का मेंस का 2021 का। तो यहां पर क्या क्या बातें बताई गई हैं, जो आप लोग के पेपर होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां तो डेज है, तो यहां पर हर दिन कैसे कैसे आप लोग के पेपर होते हैं। एक पेपर होगा आप लोग का जो कि आप लोगों का होगा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का, 3 घंटे का। दूसरा पेपर जो होगा वो आप लोगों का होगा 2 बजे से 5 बजे तक का, 3 घंटे का। यानी कि एक दिन में 6 घंटे लगातार आप लोगों को बैठकर लिखना होता है। तो प्रॉपर वे में जिस इंसान को चीजें पता होगी वही लिख पाएगा, वरना जो है यहां पर इंसान के उन्हें कहते हैं कि तोते उड़ जाते हैं। तो आप लोग अगर प्रॉपर वे में चीजों को समझकर नहीं चलोगे, सिलेबस को समझकर नहीं चलोगे, टॉपिक को समझकर नहीं चलोगे, तो यहां पर कोई टिकने वाला है नहीं। इसीलिए इस एग्जाम को टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, क्योंकि लोग जो है नॉर्मली इसको समझते ही नहीं है कि हाँ आप लोगों को किस लेवल पर तैयारी करनी है। आप लोगों को डेली आंसर राइटिंग के 2 क्वेश्चन देता हूं ना मैं, एक तो नॉर्मली जो पढ़ाता हूं उस दिन का देता हूं, एक पुराना क्वेश्चन भी देता हूं आप लोग जो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। उसका बेसिक पर्पज ये है ताकि आप लोग इन चीजों को समझ सको, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर इसी चीज की है। एक बार को प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस कभी क्लियर कर ही नहीं सकते जब तक आप लोग प्रॉपर वे में चीजों को लेकर नहीं चलोगे। तो क्या क्या बातें की जा रही है, सबसे पहले बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में। तो यहां पर अगर आप लोग बात करते हैं तो बेसिकली 9 से लेके 12 बजे तक एक हो गया और 2 से लेके 5 बजे तक एक हो गया। तो यहां पर जैसे कि देखिए, एक सबसे पहले दिन जो आप लोग का पेपर होता है, यह डेट यहां पर देखिए हर साल के लिए चेंज होती रहेगी आप लोग की, तो यहां पर उसको आप लोग काउंट मत कीजिएगा। सबसे फर्स्ट डे जब आप लोग का पेपर होगा उस दिन आप लोग का ऐसे होगा, यानी कि निबंध का पेपर होगा, बस एक पेपर होगा 9 बजे से 12 बजे तक का। फिर दूसरा आप लोग का स्लोर जो रहेगा वो खाली रहेगा, एक पेपर देकर आप लोग आराम से घर आएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। और ये जो एसए होता है इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आप लोग कोई सिलेबस आप लोगों के सामने डिफाइन कर रखा है, क्यों? क्योंकि जो भी आप लोग जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3 ये सारे पेपर पढ़ेंगे, उसी में कहीं ना कहीं आप लोगों का ये सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाएंगी। मतलब क्या है इसका, मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूं। आप लोग यहां पर इसको देखिएगा, ये आप लोगों के सामने एक स्लाइड दिख रही है, ठीक है? तो इस स्लाइड में जो एसए का पेपर है यहां पर, ये आप लोग का 250 नंबर का है, ठीक है? फिर आप लोग का जनरल स्टडी 1 पेपर है यहां पर, वो आप लोग का 250 नंबर का है। जनरल स्टडी 2 250 नंबर का, जनरल स्टडी 3 250 नंबर का, जनरल स्टडी 4 ये भी 250 नंबर का। और फिर आप लोग का ऑप्शनल जो पेपर 1 होता है, ऑप्शनल पेपर 2 होता है, यानी कि सब्जेक्ट तो एक ही है ऑप्शनल का, या आप हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, या पॉलिटी जो आप लोगों ने नहीं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ले लिया, पर लेकिन उस एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों अलग अलग 250-250 मार्क्स के होंगे। तो आप लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने का हो गया, 500 मार्क्स का ऑप्शन सब्जेक्ट अकेला हो गया, ठीक है? फिर आगे चलकर टोटल रिटर्न के कितने हो गए, 1750 रिटर्न के नंबर हो गए, इंटरव्यू के हो गए 275। तो टोटल मार्क्स जो रहे आप लोगों के वो है 2025, जिसमें से मेंस में से आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं। कंफर्म हो गए यहां पर, बिल्कुल भी माइंड में कोई भी डाउट आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए, सारी चीजें एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो ये बातें इसलिए मैंने आप लोगों को इस तरीके से बताई ताकि आप लोग इसको क्लियर कर माइंड में चल सके। अब यहां पर जो एसए का पेपर है ना, जो पहला पेपर है, वो कहीं ना कहीं अगर आप लोग जनरल स्टडी 1st, 2nd, 3rd, 4th इनको अगर ढंग से आप लोग कवर कर लेते हैं और करंट को ध्यान में रखते हैं, तो ये समझिए एसए का पेपर आप लोगों का तैयार हो चुका है। क्योंकि कंटेंट जो है वही रहना है, उसको और ज्यादा सिस्टमेटिक वे में, और ज्यादा एलोबरेटिव फॉर्म में आप लोगों को यहां पर लिखना है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लोग अपना डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप लोग अपना स्टैटिक पोर्शन कवर करके चल रहे हैं, तो काफी शानदार तरीके से ऐसे आप लोग लिखेंगे। और आप लोगों को पता होगा डेली, हर डेली तो नहीं, मतलब हर वीक में, डेली का मतलब है कि मतलब रेगुलरली आप लोगों वीकेंड में सैटरडे को मैं एसए का पेपर देता हूं लिखने के लिए, मतलब एक क्वेश्चन एसए का देता हूं आप लोगों को रेगुलरली। जो बच्चे रेगुलर लिखते हैं उनको पता है आप लोगों ने कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आप में देखा है। तो हमेशा इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर रखिए, वीक में एक निबंध कम से कम आप लोगों को जरूर लिखना है, ठीक है? और ये चीजें तब आप लोगों को स्टार्ट करनी है जब बेसिक चीजें आप लोग समझ सको। ऐसा नहीं कि पहले दिन आके ऐसे लिख दिया, कुछ नहीं लिख पाओगे। अपना आराम आराम से चीजों को करिएगा, उससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक पढ़िए, फिर उसके बाद में कम से कम समझिए पेपर्स को क्या क्या होते हैं, तो तब आप लोग चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो एसए के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसे डिफाइन सिलेबस नहीं है, बस हाँ ये है कि आप लोग जो है इन पेपर को ढंग से कवर कीजिए, तो ऐसे आप लोगों का कवर हो जाएगा। अब यहां पर जो जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, 3, 4 है यहां पर, ये वैसे तो ये जनरल स्टडी 1, 2, 3, 4 है, पर लेकिन यहां पर स्टार्ट होता है पेपर 2 से। क्यों? क्योंकि पहला पेपर इसने बोला है एसए का, तो यानी कि पेपर 1 हो गया एसए का, पेपर 2 हो गया जनरल स्टडी 1st का, पेपर 3 हो गया जनरल स्टडी 2 का, पेपर 4 हो गया जनरल स्टडी 3 का, पेपर 5 हो गया जनरल स्टडी 4 का, जिसको आप लोग एथिक्स बोलते हैं। तो अब इनका सिलेबस मैं आप लोग एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है? तो ये आप लोग समझिएगा अच्छे से, ताकि चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर रहे, ठीक है? तो बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। यहां पर हम लोग बात करेंगे यहां पर बेसिकली जो मेंस का सिलेबस है उसके बारे में। पर इसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। जैसे आप लोग यहां पर पेपर देकर आते हैं, पहला हो गया एसए का पेपर, ठीक है? दूसरा हो गया जनरल स्टडी, जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 3, जनरल स्टडी 4 के पेपर, ये पेपर दूसरा सेक्शन खत्म हो गया। तीसरा सेक्शन आप लोग रहते हैं यहां पर, 2 पेपर आप लोग होते हैं यहां पर, ठीक है?
ये होते हैं बेसिकली आप लोग के क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। एक पेपर रहता है पेपर वन, ये रहता है आप लोगों का कहीं का, ये रहता है आप लोगों का इंडियन लैंग्वेज का, यानी कि आप लोग कोई भी एक लैंग्वेज चूज करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप लोग की आसामीज होगी, बंगाली होगी, बोडो होगी, हिंदी होगी, मराठी होगी, नेपाली होगी, उड़िया होगी, संस्कृत होगी, सिंधी होगी, जो भी आप लोगों को लगता है जिसमें आप लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, लोकल लैंग्वेज जिसमें आप लोगों ने पढ़ाई की है, वो लैंग्वेज का एक पेपर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। संविधान के अगर शेड्यूल में जाएंगे, बताइए कौन से शेड्यूल में लैंग्वेज रखी हुई है, बताइए टोटल 22 लैंग्वेज रखी हुई है, कौन से शेड्यूल में है बताइए आप लोग ये, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। स्टार्टिंग में ओरिजिनली संविधान में 14 लैंग्वेज थी, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर करके इन लैंग्वेज को हम लोगों ने 22 लैंग्वेज बना दिया है। तो इन 22 लैंग्वेज में से आप लोग चूज कर सकते हैं कोई भी एक लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से स्वतंत्रता दे रखी है कि हाँ आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है। इसका जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जो पेपर होता है, ये पेपर आप लोगों को यहाँ पर जो नजर आएगा, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो इसका पेपर अब की बार देखा आप लोगों ने यहाँ पर, जब सारे पेपर आप लोगों के निपट जाते हैं, यानी कि ऑप्शनल पेपर और जनरल स्टडी के जो पेपर होते हैं उसके बीच में इसका पेपर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। इसी के साथ में दूसरा पेपर होता है ताकि आप लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश ढंग से समझ सको, क्योंकि जिस एरिया में आप लोगों को पोस्टेड किया जाएगा उस एरिया में नॉर्मली अगर इंग्लिश नहीं है, आप लोगों की लैंग्वेज नहीं है, तो वहां पर इंग्लिश ही आप लोगों का सहारा बनेगी। तो कम से कम थोड़ा बहुत इंसान को इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आप लोग किसी हरियाणा वाले राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, फिर बिहार से आते हैं, ठीक है, आप लोग लोकल लैंग्वेज समझ पाते हैं, पर लेकिन पोस्टेड कर दिया आप लोग केरला में, तो इंग्लिश आती नहीं है, लोकल लैंग्वेज आप लोगों की समझ में आ नहीं रही है, तो कैसे काम चलेगा। तो फिर वही बात आ जाती है, कैसे चलेगा भैया, ऐसा कैसे चलेगा भैया। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो ये वाला जो पेपर होता है, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा क्वालिफाइंग, ताकि आप लोग चीजों को समझ सके। तो बेसिक नेचर जानने की बात यहाँ पर की जाती है। तो इसलिए जो मेंस की बात यहाँ पर करते हैं, तो पहले यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर के बारे में बात की जा रही है। एक हो गया यहाँ पर जिसको बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज, मैंने बताया ना अभी, इंडियन लैंग्वेज जो भी है यहाँ पर आप लोगों के सामने, उनमें से आप लोगों को पेपर देना है। और दूसरा हो गया यहाँ पर इंग्लिश का पेपर, ये क्वालिफाइंग पेपर होंगे। और क्वालिफाइंग भी पेपर कैसे होंगे, वही जो आप लोगों से बातें पूछी जाती हैं कि कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा पढ़ने के लिए, प्रिसाइज राइटिंग आप लोगों की होगी, वोकैबुलरी वगैरह, जो मैं कहता हूँ ना आप लोगों को वोकैबुलरी डेली देता हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर यूपीएससी में वोकैबुलरी पढ़ा रहे हो ये देखिए वोकैबुलरी यूपीएससी के सिलेबस में लिखी हुई है आप लोगों के लिए भाई, ठीक है। शॉर्ट ऐसे लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेक करते हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियन लैंग्वेज में भी, आप लोगों को हिंदी में भी यही चीज देखने को मिलेगी। आप लोगों को प्रिसाइज वगैरह देखेंगे आप लोगों की वोकैबुलरी कैसी है हिंदी को लेकर, शॉर्ट ऐसे वगैरह, और ट्रांसलेशन भी आता है। अगर पेपर आप लोगों ने उठाकर देखा होगा तो ट्रांसलेशन भी आप लोगों का आता है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। तो ये आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज या फिर आप लोग बोले जो भी आप लोग पेपर देंगे वहां पर, ठीक है। नॉर्मली जैसे कि मेरा क्या रहता है, मैं हिंदी का पेपर देता था, ठीक है, तो मैं उसके बेस पर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो भी लैंग्वेज आप लोग देंगे उसके बेस पर आप लोग यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। पर लेकिन लैंग्वेज जो यहाँ पर ये सारी चीजें रहेंगी, ये ऑलरेडी लिख रहे हैं यहाँ पर मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं के स्टैंडर्ड की चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी, ताकि आप लोग चीजों को समझते तो हैं बेसिक इन चीजों के बारे में। ऐसा नहीं वो आप लोगों को बोल रहे हैं कि रिसर्च करके आप लोग यहाँ पर आना है, तो रिसर्च कोई नहीं आप लोगों से यहाँ पर भी मांग रहा है। तो ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिए माइंड में। और जैसा मैंने बोला था एसए के पेपर में, तो यहाँ पर उन्होंने ये सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के आप लोग गाइडलाइन दे रखी है यहाँ पर। अगर बात करेंगे बस यहीं पर एसए खत्म हो जाता है आप लोगों का। बोला गया कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसए ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, ठीक है। आप लोगों को अलग अलग टॉपिक देते हैं, जैसे एसए का पेपर मैंने आप लोगों को दिखाया था, एनालिसिस भी आप लोगों के सामने किया था, तो आप लोगों को यहाँ पर दो एसए लिखने के लिए आते हैं। आप लोगों के सामने 8 टॉपिक रहते हैं, 8 टॉपिक में से 2 एसए चूज आप लोगों को करने पड़ते हैं, ठीक है। 1000 से 1200 शब्द में आप लोगों को लिखना होता है। तो ये आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया था, 125 125 नंबर के दोनों एसए रहते हैं, तो इससे 250 नंबर का आप लोगों का पूरा पेपर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग समझिएगा। तो क्या एक्सपेक्ट यहां से कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मल्टीपल टॉपिक पर आप लोग निबंध लिखेंगे यहां पर। दूसरा बात की जा रही है, दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे टू अरेंज देयर आइडिया इन ऑर्डरली फैशन, यानी कि वो चाहते हैं कि जो भी आप लोग के सामने जो टॉपिक रहे उसको प्रॉपर वे में, उसी टॉपिक के इर्द गिर्द आइडिया को आप लोगों उसी के आसपास में अपने प्रॉपर वे में एक्सप्रेशन के साथ में लिखना है, और भी एक ऑर्डर में, पता ना चले एक पैरे से किस पैरे में आप लोग जंप कर गए, इतना कनेक्टेड आप लोगों का निबंध होना चाहिए। और यहां पर बात की जा रही है कि क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, यानी कि एक इंसान जो है लिखने को बोला गया कुछ और लिख रहा है कुछ वहां पर, इसके चलते तो यूपीएससी आप लोगों के नेगेटिव मार्क्स भी दे देता है। जी हाँ, याद रखिएगा आप लोगों को मेंस के अंदर भी नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मार्क्स काट लेता है और ज्यादा कोई बदतमीजी काट रहा है वहां पर, और ये बकायदा लिखा गया यूपीएससी के द्वारा, तो ये बात बिल्कुल माइंड में क्रिस्टल क्लियर आप लोग रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर, जो पेपर ये फर्स्ट हो गया, पेपर फर्स्ट पेपर मैं बोल रहा हूँ, तो इसको आप लोग समझ के चलिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पेपर का मतलब क्या है मेरे यहाँ से, यानी कि आप लोगों का फर्स्ट पेपर हो गया यहाँ पर, जो कि आप लोगों का एसए का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर एसए हो गया आप लोगों का फर्स्ट पेपर, ठीक है। अब चलेंगे सेकंड पेपर, यानी कि अब आप लोगों के सामने आएंगे यहाँ पर जनरल स्टडी के पेपर। और जनरल स्टडी का जो पहला पेपर है, यानी कि वैसे पेपर 2 होगा, ठीक है, पर लेकिन जनरल स्टडी का पहला पेपर होगा, जैसे यहाँ पर जनरल स्टडी का जीएस का पेपर हो गया, पर लेकिन नंबरिंग में पेपर नंबर 2 हो गया।
तो इसके अंदर क्या क्या आता है अब पहले आप लोग ये समझिए। तो चारों पेपर के बारे में आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं, अब यहां पर जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडी सेकंड, जनरल स्टडी थर्ड, जनरल स्टडी फोर्थ, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगी। देखिए वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी क्योंकि यार इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, पर हाँ ये बता रहा हूं कि वर्थ इट होगी। अगर एक बार आप लोग चीजों को समझ लेंगे ना तो फिर कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, आप लोग चीजों को कनेक्ट भी कर पाएंगे और चीजों को समझ भी पाएंगे। और यूपीएससी के सिलेबस में से ही उठकर मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूं, अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूं, तो इसलिए आप लोग इनको क्रिस्टल क्लियर करके माइंड में चलेगा। ठीक है, बात करते हैं यहां पर जीएस पेपर टू के बारे में, या फिर वो सॉरी पेपर टू के बारे में, या फिर जनरल स्टडी पेपर वन के बारे में। इनके अब मैं आगे चलकर आप लोगों को यहां पर जनरल स्टडी पेपर वन, जनरल स्टडी पेपर टू, जनरल स्टडी पेपर थर्ड ऐसे बोलूंगा। ठीक है, तो यानी कि ये नहीं यहां पर जीएस पेपर टू, ये बेसिकली यहां पर इस तरीके से कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा होगा कि पेपर वन, पेपर टू, पेपर वन, तो उसको छोड़ देते हैं। अब जनरल स्टडी के चारों पेपर का सिलेबस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जनरल स्टडी पेपर वन का जब आप लोग सिलेबस देखते हैं तो इसके अंदर जो थोड़ा सा बोल्ड वर्ड में लिखा गया यह है कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री का जो हेरिटेज और कल्चर वाला पार्ट है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यहां पर इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, वर्ल्ड की भी बात कर दी गई यहां पर। मैंने प्रीलिम्स में आप लोगों को बताया था कि वहां पर वर्ल्ड की बात नहीं की गई है, वहां पर क्या बात की गई है, वहां पर आप लोगों से बात की गई है किसके बारे में, आप लोगों से बात की गई बेसिकली इंडिया के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में जब आप लोगों से बात करें। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों के बारे में आप लोगों यहां पर क्या बात की जा रही है, वर्ल्ड की बात की जा रही है। पर प्रीलिम्स में क्या था, प्रीलिम्स में जो आप लोगों की हिस्ट्री थी वो तो इंडिया की थी, पर लेकिन ज्योग्राफी वर्ल्ड की थी, यानी कि हिस्ट्री यहां पर आप लोगों की क्या थी, यहां पर आप लोगों की लोकल हिस्ट्री यानी कि इंडिया की हिस्ट्री पूछी गई थी, पर लेकिन ज्योग्राफी यहां पर भी वर्ल्ड की थी, और वहां पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों वर्ल्ड लेवल की आएंगी। और इसी के साथ में सोसाइटी भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, सोसाइटी के बारे में यहां पर आप लोगों से निकल कर आता है। तो फिर इन पोर्ट्स जो भी यहां पर ये बड़े बड़े जो एक लाइन में लिख दिए गए हैं बोल्ड वर्ड में, यहां पर इनको फिर इनके द्वारा डिफाइन किया गया। तो ये सारी बातें आप लोगों को माइंड में अगर क्लियर रहेंगी तो अच्छे से आप लोग जो भी, जैसे मैं न्यूज़पेपर आप लोगों को पढ़ाता हूं तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में कि जीएस पेपर वन का हो गया, जीएस पेपर टू का हो गया, जीएस पेपर थ्री का हो गया, फोर का हो गया पेपर, तो इससे आप लोग चीजों को कोरिलेट कर पाते हैं। तो ये जरूरी है आप लोगों को समझना कि किस पेपर से आप लोग इसको देख सकते हैं, उससे आप लोगों को उसको कनेक्ट करने में आसानी रहती है। ठीक है, सबसे पहली लाइन में क्या बोला गया कि यहां पर, और देखिए कोई बड़ी चीज नहीं, आप लोगों को लग रहा हो कितना सिलेबस है क्या लिखा हुआ है, जब आप लोग पढ़ने बैठेंगे ना आराम से आप लोग इनको कोरिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को एक कंसाइज फॉर्म में आप लोगों को नजर आएगी, तो कभी भी उसको लेकर आप लोगों को डाउट नहीं करना है। ठीक है, बात की जा रही है इंडियन कल्चर के बारे में, तो इंडियन कल्चर के बारे में बात की जा रही है, इंडियन कल्चर जो कि जिसके सैलियंट फीचर के बारे में बात की जा रही है, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, तो ये एंशियंट टू मॉडर्न टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि जो एंशियंट टाइम से आप लोग चलोगे, यानी कि पुराने समय से लेकर नए समय तक आप लोगों को देखने को मिलेगी, ऐसा यहां पर बोला गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बेसिकली प्राचीन से लेकर मॉडर्न टाइम तक आप लोगों को यहां पर ये चीजें नजर आएंगी जो हिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर कल्चर वाला पोर्शन हो गया आप लोगों जो कि अलग से मेंशन कर रखा है, फिर बात की जा रही है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, अलग से मेंशन कर दिया मॉडर्न हिस्ट्री भी, कहां से ये बात की जा रही है यहां पर, मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, जो प्रेजेंट टाइम तक अगर आप लोग बात करें, प्रेजेंट टाइम मतलब क्या हो गया आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, ये जो प्रेजेंट लिख दिया ना ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो गया, प्रेजेंट का मतलब यहां पर यह है कि मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके आसपास से आप लोग चीजों को उठाइए, और प्रेजेंट टाइम तक यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंट, यानी कि आजादी के बाद भी आज तक आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं अपनी जो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री उसको भी यहां पर काउंट किया गया है, इसीलिए लिखा गया कि यहां पर बात रखिएगा ध्यान से सुनेंगे, यहां पर लिखा गया अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंस, जो भी यहां पर जो इवेंट है, कोई भी असर आया, कोई पर्सनैलिटी है, कोई इशू है, तो यहां पर कहने का मतलब ये हिस्ट्री है, पर लेकिन रियलिटी में आप लोगों की जो रिसेंट की अभी घटनाएं घटी होंगी अभी पास्ट में आप लोगों के पास में, तो उससे भी क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये बातें यहां पर है, यानी कि हिस्ट्री में जो आप लोगों का पेपर होता है उसमें आप लोगों की पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री यहां पर लिख दी गई है, ये आप लोग समझिएगा। ठीक है, अलग से भी हालांकि यहां पर मेंशन किया गया। फिर आगे आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। तो क्या क्या स्टेजेस रहे हैं, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कई बार, तो मैंने भी आप लोगों को बताया कि एक नहीं तरीके से किस तरीके से यहां पर ये गांधीयन फेज हो गया, इस तरीके से पहले उससे पहले यहां पर क्या मुद्दा चल रहा था। ठीक है, किस तरीके से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यहां पर काम कर रहे थे, एक अलग से आप लोगों फेज देखने को मिलते हैं, जो कई बार आप लोगों ने एक तरीके से कि जहां पर एक पैटर्न चेंज होता है आप लोगों को नजर आएगा तो उनको फेज बोल देते हैं। नॉर्मली आप लोग बात करने से हिस्ट्री होगी, वैसे लिखा थोड़ी ना है कहीं पर कि यार ये एक तरीके से एंशियंट हिस्ट्री होगी, ये मॉडर्न हिस्ट्री होगी, यहां पर मेडिवल हिस्ट्री होगी, हम लोगों ने अपने आपको समझने के लिए उनको डिवाइड कर लिया। वैसे तो हिस्ट्री तो चलती हुई आ रही है जैसे हिस्ट्री है, पर हम लोग समझ सके उसको इसलिए हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, और कुछ ना कुछ वहां पर चेंज हुआ है, जहां पर भी चेंज होता है कोई नहीं मोड़ आता है कहीं पर, अच्छा उस गली में जाना है तो वो मोड़ आ गया, वहां पर अब दूसरी गली स्टार्ट होगी, तो कोई ना कोई किसी का रिजीम चेंज हुआ। पहले कोई राजा रजवाड़े थे, जैसे पहले हम लोगों ने बोला दिल्ली सल्तनत, ठीक है, फिर आगे चलकर हम लोग मुगल राज्य बोलने लगे, फिर आगे चलकर हम लोगों ने बोल दिया अंग्रेज आ गए यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो अलग अलग स्टेज पर क्या कह रहा।
क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन कौन हिस्टोरियन रहे वहां पर, उनकी कल्चर में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वहां पर, राजा रजवाड़ों ने क्या किया, सोसाइटी कैसी रही वहां पर, वो सारी समझने की कोशिश यहां पर की जाती है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं यूपीएससी वाले आप लोगों को कि आप लोग समझें अपने देश को, अपने देश को समझेंगे तभी तो जाकर आप लोग वहां पर जो काम करना होगा वो काम को आप लोग ढंग से कर पाएंगे। अगर देश को ही नहीं समझेंगे तो काम को ढंग से कैसे कर पाएंगे। तो ये आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि देश को कम से कम आप लोग ढंग से समझो, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन के बारे में बात की जा रही है और रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। जब हम आजाद हो चुके हैं तो कैसे कैसे हम लोगों ने अपने जो राजा रजवाड़े थे उनको इकट्ठा किया, मिलाकर एक कंट्री बनाया, और कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारी कंट्री में पहले 14 राज्य थे, कैसे बढ़ते बढ़ते आज के दिन में इस पोजिशन पर हम लोग पहुंचे। तो वो जो लेक्चर मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कौन सा राज्य कब बना, कैसे कैसे चीजें चली, और प्रेजेंट टाइम में अभी आप लोगों ने देखा पहली बार देश में ऐसा हुआ कि एक यूनियन टेरिटरी, एक राज्य को, जम्मू एंड कश्मीर को हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। पास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनियन टेरिटरी को राज्य में कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत सारे हम लोगों ने पढ़े थे, पर पहली बार देश में ऐसा हुआ कि एक राज्य को यूनियन टेरिटरी में बना दिया। तो ऐसे इवेंट जो हो रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में, ठीक है, और सिलेबस का पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। बात की जा रही है यहां पर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एक तरीके से इसके अंदर जो इंक्लूड करेंगे फ्रॉम द 18th सेंचुरी से बात की जा रही है यहां पर कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसा है। आखिर आप लोग बोलेंगे कि 18th सेंचुरी से ही क्यों लिया यार, क्योंकि 18th सेंचुरी के बाद में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ये सारी चीजें हैं हमारी कंट्री के ऊपर काफी ह्यूज इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला। तो वो चीजें यहां पर आप लोगों से पढ़ाई जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर भी, जिनका हमारी कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड वॉर टू और वर्ल्ड वॉर अगर वन के और टू के, तो हमारी कंट्री के जो लोग हैं वहां पर लड़े अंग्रेजों की साइड से, कहने के लिए तो अंग्रेज लड़ते थे पर इनडायरेक्ट में तो हमारे लोग लड़ रहे थे ना वहां पर, तो हमारे इसके साथ में कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैसे कैसे बाउंड्रीज निकल कर आ रही हैं, ठीक है, आज की डेट में इंडिया और चाइना के रिलेशन देख लीजिए, भूटान के इंडिया के रिलेशन, या फिर इंडिया नेपाल के बांग्लादेश के रिलेशन। अभी बांग्लादेश के साथ में तो हम लोगों ने बॉर्डर को ऑर्गेनाइज कराया था, फिर से एक अमेंडमेंट भी किया गया था। कोलोनाइजेशन कैसे रहा, उसको फिर कैसे यहां पर अंग्रेजों ने रूल किया, कैसे उसको डीकोलोनाइज किया, कैसे स्ट्रगल मूवमेंट चले यहां पर, ठीक है, कैसे यहां पर पॉलिटिकल जो यहां पर फिलोसफीज आप लोगों को देखने को मिली, कम्युनिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, ये सारी टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं ये, बेसिक, ठीक है। ये न्यूज पेपर भी कई बार आती है, कई बार तो मैं आप लोगों को इनको डिफाइन कर चुका हूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों से समझने को एक्सपेक्ट करता है यहां पर, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कोरिलेट कर पाए, ठीक है, ये इनका बेसिक पर्पज रहता है, ओके। इसी के चलते यहां पर बात की जा रही है देयर फ्रॉम एंड द इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, यानी कि अगर यहां पर बात करें तो क्या क्या इनका जो भी यहां पर कम्युनिज्म हुआ, कैपिटलिज्म हुआ या फिर सोशलिज्म हुआ, इनकी फॉर्म क्या है और क्या इसका सोसाइटी पर प्रभाव पड़ रहा है, वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली ये वाला पोर्शन जो कि हिस्ट्री। अगर सोसाइटी के बारे में बात करें जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हैं, ठीक है, तो हमारी सोसाइटी के सैलियंट फीचर आप लोगों को बताने हैं, इंडियन सोसाइटी के क्या क्या फीचर हैं, कैसी सोसाइटी है हमारी, ठीक है। नॉर्मली कहते हैं ना पुरुष प्रधान सोसाइटी है, तो वो एक तरीके से उसके ऊपर क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन जाते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतने सारे रीजन है, इतने सारे रिलीजन है, इतनी सारी कास्ट है, अलग अलग डिफरेंट के लोग हैं। आप एक शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कोस कोस पे बदले वानी सवा कोस पे वानी, ठीक है, यानी कि पानी भी बदल जाता है, कोस कोस पे बदले पानी सवा कोस पे वानी, यानी कि जहां जहां हम लोग जाते हैं ना लोगों की भाषा चेंज हो जाती है, और जरा सी दूर आप लोग जाओगे तो पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये हमारे देश की डाइवर्सिटी है, तो उसको यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा है आप लोगों से, ठीक है। इसी के साथ में रोल ऑफ द वुमेन क्या है यहां पर, यानी कि महिलाओं का रोल क्या है कहां पर, यहां पर एक तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, पॉपुलेशन के बारे में एसोसिएशन क्या क्या है, उनसे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं यहां पर, गरीबी के बारे में बात करें, डेवलपमेंट के बारे में बात करें, अर्बनाइजेशन बहुत बड़ा इशू है आज के में, लोग गांव से शहरों में जाकर रह रहे हैं, क्यों, क्योंकि फैसिलिटी अच्छी मिलती है, तो उसके चलते आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, और क्या क्या प्रॉब्लम है उसके सामने और क्या क्या सॉल्यूशन है। तो ये कई बार आर्टिकल आते हैं, कई बार हम लोगों ने पढ़े ना आर्टिकल इस तरीके की, हाँ आज की डेट में अगर आप लोग समझेंगे तो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बड़ी बड़ी सिटी में जिनको महानगर हम लोग बोलते हैं, उनमें बारिश आने पे जाम लग जाते हैं भाई साहब, उनमें बारिश आने पे बाढ़ आ जाती है यहां पर, तो क्या हम लोग रियलिटी में सही तरीके से सोल्यूशन निकाल रहे हैं, अर्बनाइजेशन इन सब चीजों के, गरीबी को हम लोग सही तरीके से मिटा रहे हैं, तो सारी चीजें। और इसी के साथ में इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहां पर जब हम लोग बात करते हैं। जब आप लोगों ने देखा होगा आज के में हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग विदेशों से फॉलो करते हैं, ठीक है। आज के में अगर आप लोग बात करेंगे दुनिया भर की, जब हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए गए 1990s में, तो तब से हमारी कंट्री में दुनिया भर की कंपनी आ चुकी है। आज के में हम लोग सारे हॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते हैं काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है, अपनी तो मूवी पसंद करते हैं, हॉलीवुड भी पसंद करते हैं, हाँ कि ना बताइए, चलिए आप लोग कितने ऐसे हैं कि जिनको हॉलीवुड मूवी पसंद आती है, कईयों के तो जो हॉलीवुड के एक्टर होंगे आप लोग उनके फैन होंगे, यार हाँ ये शानदार एक्टर है, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली। तो आज के में हमारी कंट्री के बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो जाकर हॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ में शादी भी कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या इंपैक्ट पड़ रहा है यहां पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। उनकी खाने पीने की कल्चर, हम लोग आज के में जो
एक तरीके से आप लोग ना कि चाउमीन खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, ये हमारी कल्चर में नहीं थे चाउमीन पिज्जा वगैरह ये सारी चीजें, या ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोग पी रहे हैं। तो ये एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है उनका इंपैक्ट आप लोगों को हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। तो वो सारी चीजें भी आप लोग यहाँ पर समझने को एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर यूपीएससी। सोशल इंपावरमेंट कैसे हो रहा है, इसी के साथ में कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये ऐसी ऐसी टर्म्स हैं कि आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग समझे इनको। रीजन के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, अच्छा ये तो उस एरिया का है यहाँ पर, ठीक है। कई बार हमारे देश में इसको लेकर मुद्दा चल जाता है कि भाई साहब बिहार का इंसान है उसको महाराष्ट्र में काम करने के लिए दिक्कतें पड़ जाती हैं कई बार, ठीक है। सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर ये सोसाइटी में आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो जब तक इन मुद्दों को आप लोग समझोगे नहीं तो सोल्यूशन कैसे निकालोगे, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं पहले आप लोग इनको समझो, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर सेलियंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। तो जो वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी है उसके सेलियंट फीचर के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बात की थी अलग अलग कंट्रीज के बारे में कि कहां कहां पर लिथियम पाया जा रहा है, ठीक है। लिथियम ट्रायंगल मैंने पढ़ाया था, देखता हूं किस किस को याद है, चलिए लिथियम ट्रायंगल के बारे में आप लोग बताइए। तो ये क्या होता है, लिथियम की रिक्वायरमेंट तो हमारे देश में भी है बैटरी बनाने के लिए। अब जहां जहां पर लिथियम होगा वहां पर उनके साथ में हम लोग रिलेशन बनाएंगे, तो इससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे कि हम लोग इन चीजों को इस लेवल पर लेकर चल सकते हैं। तो यहां से आप लोग समझेंगे ना चीजों को अच्छे से। तो ज्योग्राफी अगर दुनिया की समझेंगे तो उसके साथ में आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन भी समझेंगे, अच्छा ज्योग्राफी अच्छा वहां पर लिथियम आता है उनके साथ हमारे रिलेशन रहेंगे क्योंकि हम लोग को इसकी जरूरत है। क्रूड ऑयल, अरे कच्चा तेल, अरे यार ये तो सऊदी अरेबिया से, ईरान से, इराक से, इन कंट्री से आता है, इसका मतलब इनके साथ में हमारे रिलेशन अच्छे होंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन आप लोगों को वहां की ज्योग्राफी भी कई बार क्रिएट करती हुई नजर आएगी, तो इसीलिए आप लोग उसको अच्छे से समझेंगे तो आप लोग उनको कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में बात की जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन, जब बात की पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, यहां पर दुनिया में जहां जहां पर भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको समझने की बात की जाती है आप लोगों से, क्योंकि आज के में हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इंक्लूडिंग यहां पर बात की जा रही है साउथ एशिया, इसी के साथ में इंडियन अगर बात करें कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, तो ये चीजें आप लोग की नजर आती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है वो क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग यहाँ पर जो लोकेशन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इंडस्ट्री के बारे में, अगर आप लोग इसको सर्च करोगे एक बार प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के बारे में सर्च करना बाई वीर, ठीक है, तो आप लोग के सामने खुलकर आ जाएगा। बहुत ही डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने इनको आप लोगों के सामने रखा है, तो ये कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए इसको लेकर। तो इसलिए मैंने हर एक बात आप लोगों को यहां पर बताई उसके बारे में। तो ये क्या होता है, हमारी कंट्री में कैसे कैसे इकोनॉमी बढ़ी है, तो वो सेक्टर भी आप लोग डिसाइड करते हुए यहां पर नजर आते हैं, ठीक है। तो ये बात की जा रही है इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, दुनिया के साथ साथ में अपने को जरूर जानना है, इसको नहीं छोड़ना है आप लोगों को, ये खुद बोल रहे हैं यहां पर सिलेबस आप लोगों का यूपीएससी का, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आप लोगों से जो ज्योग्राफी के अंदर कुछ एक्सपेक्ट करता है कि वो क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि इंपोर्टेंस ऑफ जो यहां पर एक तरीके से जियो फिजिकल फिनोमिनन जो भी होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक कैसे आ रहा है, ठीक है, मैंने बताया आप लोगों से रिसेंटली अभी सुनामी के बारे में डिस्कस किया था, वोल्केनो के बारे में डिस्कस किया था, साइक्लोन के बारे में तो हजारों बार डिस्कस कर चुका आप लोगों से। तो कहने के लिए मैं करंट पढ़ा रहा हूं, पर इनडायरेक्ट वे में आप लोग अगर इस सिलेबस को देख रहे होंगे जो रेगुलर लेक्चर सुनते हैं आप, तो सिलेबस को आप लोग समझोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं स्टैटिक पोर्शन कितना कवर करा रहा हूं आप लोगों का, ठीक है। इससे कई बार आप लोगों को फायदा होता है जब आप लोग चीजें पढ़ने बैठते हैं। अगर बात करेंगे यहां पर ज्योग्राफिकल फीचर क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश की जाती है, लोकेशन में क्या क्या चेंज है, क्रिटिकल जो ज्योग्राफिकल फीचर क्या है इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज किस तरीके से वहां पर देखने को मिलती है, कहीं पर हमारी कंट्री में कहीं पर आप लोगों को पानी देखने को मिलेगा अच्छा खासा, कहीं पर बर्फ देखने को मिलेगा, कहीं पर आप लोगों को एक तरीके से ना रेगिस्तान देखने को मिलेगा, और आप लोगों से फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में कितनी बार बताया, फ्लोरा का मतलब क्या होता है पेड़ पौधे फूल पत्ती, और फ्यूना का मतलब क्या होता है जीव जंतु पशु पक्षी, तो इनके बारे में इनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो उसको भी यहां पर बेसिकली चेक करने की बात की जा रही है। तो ये सारा सिलेबस आप लोगों का कहने का मतलब यहां पर है, पेपर जो यहां पर GS1 है जनरल स्टडी 1 के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों की देखने को मिलेगी, एक एक पॉइंट माइंड में क्लियर होना चाहिए, जहां पर भी जो भी डाउट होगा उसको जरूर बताएगा, ठीक है। और रेगुलर वीडियोस जो आते हैं उनके अंदर आप लोगों के कई सारे तो ये डाउट क्लियर करता ही रहता हूं, बाकी भी अगर कोई डाउट होगा अगर मुझे लगेगा जेन्युइन डाउट है तो उनको जरूर पूछेगा, आगे फिर उनको क्लियर किया जाएगा। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ओके, कंफ्यूजन होगा तो बताएगा जरूर, उसको फिर दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। बात करेंगे यहां पर जीएस पेपर 2 के बारे में, वैसे पेपर नंबर तो तीसरा हो जाएगा यहां पर जीएस का पेपर यानी कि जनरल स्टडी का पेपर 2 होगा, और ये वही पेपर है जिसमें तो आप लोगों का पूरा पेपर ऐसा लग रहा था जैसे कि एसएलवी फैमिली से पूरा बनाया गया है, डिस्कशन सुन के जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं था जिसके बारे में मैंने आप लोग कुछ ना कुछ नया बताया हो, ठीक है, हर एक पेपर हर एक क्वेश्चन के बारे में आप लोग कुछ ना कुछ लिख सकते थे। तो इसमें क्या पोर्शन आते हैं, तो यहां पर बात करते हैं गवर्नेंस के बारे में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, और इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो कि अगर आप लोग आज की डेट में यानी फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन वाला सेक्शन, और खासकर द हिंदू न्यूज़पेपर इस चीज के लिए फेमस है जब इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में अगर क्रिस्टल क्लियर रहेंगी तो आप लोग इनको अच्छे से सही तरीके से इंजॉय कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से।
बहुत सारी चीजें इसमें आप लोगों को ऐसा लगेगी जैसे आप लोगों ने सुन रखी है ऑलरेडी, तो ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होगा। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप लोग बात करते हैं तो हिस्टोरिकल चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कहां से निकल कर आया, क्या क्या फ्यूचर है, क्या क्या अमेंडमेंट है, क्या क्या प्रोविजन है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अलग से लेक्चर ले रखा है। पॉलिटी में मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप लोग लेक्चर जाकर जरूर देखेगा इंडियन पॉलिटी के, जो लक्ष्मीकांत बुक कवर कर रखी है वो मैक्सिमम आप लोगों की काफी डिटेल में पढ़ा रखी है मैंने। वो मैंने ऐसा नहीं कि आप लोगों को बेसिकली इसलिए पढ़ाई की बस प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, डिटेल में आप लोगों को देखने को मिलेगी वहां पर सारी चीजें, तो उसको आप लोग जरूर देखना, ठीक है। फंक्शन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यूनियन और स्टेट की वो बताती है, क्या क्या इश्यूज हैं सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, ठीक है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर कैसे होता है, ठीक है, कैसे फाइनेंस यहाँ पर जाता है, लोकल लेवल पर भी जो हम लोग बात करते हैं ना, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटी देश के अंदर लेकर आया गया, तो उसके चलते आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, इनके लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी इनमें कैसे कैसे सेपरेशन ऑफ पावर है ताकि अपने अपने एरिया में काम कर सकें और चेक एंड बैलेंस भी कर सकें यहां पर, तो कल को चलकर डिस्प्यूट होता है तो उनको रेड्रेसल करने की भी मैकेनिज्म यहां पर होनी चाहिए, जिनके लड़ाई हो रही है तो सोल्यूशन भी निकलना चाहिए। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है यार, नॉर्मली इस तरीके की चीजें कई बार आप लोग क्लियर नहीं करते हैं। बात की जा रही है एक तरीके से कंपेयर करना है यहाँ पर, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको दूसरी कंट्री के संविधान से कंपेयर करना। आखिर ये लाइन क्यों लिखी गई, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं, हमारी कंट्री में जो संविधान है वो हम लोगों ने अलग अलग कंट्री से कुछ ना कुछ पोर्शन लेके अपना संविधान बनाया, तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि हमारा संविधान जो है वो कहीं ना कहीं से कोई कोई पोर्शन हम लोगों ने ले रखा है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट को बिल ऑफ राइट बोलते हैं यूएसए के अंदर में, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं बहुत सारी ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज कहीं और से ली गई है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन कहीं और से ले गए हैं, किस तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन वगैरह हम लोग करते हैं वो कहीं और से लिया गया है, तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा पोर्शन हमारी कंट्री में हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया गया अपने देश का ही, इस तरीके से आप लोग समझेंगे। तो कंपेयर करना बनता है यहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्लियामेंट और इसी के साथ में स्टेट लेजिस्लेचर में स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन कैसे है, कैसे बिजनेस होते हैं, क्या क्या उनकी पावर्स हैं, वो सारी बातें बताई गई है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाए, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैसे कैसे जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट होते हैं, ये प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, पॉलिटी के अंदर चैप्टर है सारे आधे से ज्यादा, तो इनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है, प्रेशर ग्रुप के ऊपर भी चैप्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो ये पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए हर एक पेपर की लाइन पे नीचे लाइन लिख रखी है यहां पर बेसिकली कि यहां पर कि बात करिए गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके चाहती है कि यहां पर एक तरीके से जेंडर बैलेंस बना रहे, यानी कि वुमेन को कैंडिडेट को एनकरेज किया जाता है ताकि वो पार्टिसिपेट करें, हर एक पेज की एंड में आप लोगों को लाइन देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये रहता है कि वुमेन को इंपावर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, तो ये बातें हैं। आगे बढ़ते हैं सिलेबस के बारे में, सैलियंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में दो है, एक तो है 50 और एक 51, उसके ऊपर अलग से मैंने लेक्चर ले रखा है, पॉलिटी के अंदर देखा होगा आप लोगों ने। अमेंडमेंट संविधान के अंदर कौन से हो रखे हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट भी मैंने अभी आप लोगों को बताए थे, ठीक है। स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी के बारे में, क्वाजाई जुडिशियल बॉडी क्या होती है, सारी बातें आप लोगों को बता रखी है, ये डिटेल में कवर कर रखा है, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती है, क्या क्या डेवलपमेंट है, वेरियस स्कीम जो भी आप लोगों को देखने को मिलती है अलग अलग सेक्टर में, तो उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे डिजाइन की जाती है, क्या क्या इंप्लीमेंटेशन है, वो सारी बातें यहां पर है, तो एक करंट का पोर्शन आप लोगों को हो जाएगा जो नॉर्मली चलता रहता है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात करें डेवलपमेंट प्रोसीजर के बारे में बात की जा रही है, खासकर एनजीओ जो होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, वेरियस ग्रुप के एसोसिएशन होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें डोनर कौन है, चैरिटी देने वाले कौन है, इंस्टीट्यूशन किस तरीके से कौन कौन से स्टेक होल्डर है, अभी रिसेंटली एनजीओ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, कई बार मैंने पढ़ा आप लोगों को, तो वहां पर दिक्कतें ये रहती है कि एनजीओ के ऊपर कई सारी एक तरीके से गाज गिर गई यहां पर कि हाँ एनजीओ कैसे काम कर रही है, तो इसके चलते फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट काफी ज्यादा न्यूज में था, तो वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। वेलफेयर स्कीम क्या है, वेरियस जो वल्नरेबल सेक्शन है यहां पर जो हमारी सोसाइटी में एससी एसटी ओबीसी या फिर वुमेन या फिर बच्चे या फिर बुजुर्ग उनके लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो सेंट्रल स्टेट कैसे लेकर चल रहे हैं उसको, इसके चलते यहां पर क्या क्या स्कीम, क्या क्या लॉ कानून बॉडीज क्या क्या काम कर रहे हैं यहां पर प्रोटेक्शन के लिए, क्या कर रहे हैं वल्नरेबल सेक्शन के लिए, तो ये उनके बेटरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, तो महिलाओं को रिजर्वेशन अलग से दे दिया, बच्चों के लिए अलग से स्कीम चला दी, तो ये सारी चीजें आप लोग की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आ जाती है जो कि स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि आप लोग ये काम करें, समझ गए ना आप लोग। यहां पर इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर और सर्विस के बारे में बात करें, तो जब मैंने आप लोगों को बोला यहां पर जब भी आप लोग यहां पर बात करेंगे कि किसी इस तरीके से मैनेजमेंट के बारे में डेवलपमेंट के बारे में, तो हेल्थ एजुकेशन सबसे पहले आना है, हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स यानी कि इंसानों को रिसोर्स के तरीके से हम लोग को डेवलप करना है, तभी हम लोग देश को आगे लेकर चल पाएंगे। आगे बात करते हैं, तो इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी के बारे में बात की जा रही है, भुखमरी के बारे में बात की जा रही है, और ये पॉइंट आप लोगों ने पॉवर्टी वाला पहले भी देखा यहां पर, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर ये कि कई सारा सिलेबस का पॉइंट आप लोगों का इंटरमिक्स नजर आएगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया आप लोग का जीएस पेपर 1 के अंदर में, उसी टॉपिक से जीएस पेपर 2 के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है, उसी पेपर से जीएस पेपर 3 के अंदर और उसी से जीएस पेपर 4 के अंदर, कैसे एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं।
ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो इसको लेकर। जैसे जीएस पेपर वन के बारे में आप लोग बात करेंगे, जैसे मैंने पढ़ा था जब आप लोग को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या क्या चेंज किया गया रिसेंटली आर्टिकल 370 में चेंज किया गया, तो वहां पर कैसे चेंज हुआ, उसकी ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या लोकेशन है उसके बेस पर कैसे कैसे वहां पर क्राइटेरिया हुआ, तो जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन बन गया जीएस पेपर वन के अंदर में। सोसाइटी है वहां पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो जीएस पेपर वन के अंदर क्वेश्चन बन गया। आर्टिकल 370 संविधान के अंदर चेंज किया गया जीएस पेपर टू के अंदर बन गया, उसकी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ा जम्मू कश्मीर की जीएस पेपर थ्री के अंदर क्वेश्चन बन गया। वहां पर जो लोग रहते हैं एथिकली अगर देखा जाए क्या उनको दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ रही है, उनकी वहां पर कई बार मीडिया को वो कर दिया जा रहा है, कई बार टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, तो वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही है उनको, ठीक है। तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग समझ सकते हैं जीएस पेपर फोर के अंदर, यहां पर केस स्टडी भी आप लोगों से पूछ ली जाएगी कि आप लोग को अगर पोस्टेड वहां पर किया जाता है तो आप लोग उसको कैसे डील करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह कि सिलेबस जो है वो इंटरलिंक है और इंटरलिंक करना आप लोगों को आना भी चाहिए, यही बातें मैं आप लोगों को रेगुलरली वीडियोस के अंदर ही बताते रहता हूं ताकि आप लोग उसके साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, यहां पर गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ई गवर्नेंस काफी बड़ा फोकस देता है, एप्लीकेशन मोड में कैसे काम चलता है, कैसे यहां पर हमारी कंट्री में जो आज के में आप लोगों ने सुना होगा ना एक तरीके से क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या मॉडल बनाए जा रहे हैं, लिमिटेशन क्या क्या है, पोटेंशियल क्या है, और सिटीजन चार्टर के ऊपर बड़ा फोकस रहता है, सिटीजन की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे फुलफिल उनको कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, करप्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो उन सारी चीजों पर फोकस है। तो ये सारे पॉइंट्स यहां पर लिख रखे हैं, तो इन पॉइंट्स को अगर आप लोग ढंग से समझोगे तो ही आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में बात की जा रही है इन द डेमोक्रेसी, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर तो निबंध भी आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, रोल ऑफ सिविल सर्विस के ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया और इट्स नेबर के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, इसी के साथ में बायलेटरल रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग के बारे में बात की जाती है और उनके एग्रीमेंट के बारे में। तो देखिए मैं जब भी आप लोगों को पढ़ाता हूं इंटरनेशनल रिलेशन, एक बात मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि कभी भी आप लोग अगर इसके बारे में बात करें तो याद रखेगा यहां पर कि आज की डेट में हमारे देश के किसी कंट्री के साथ में रिलेशन कैसे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, या फिर वो कंट्री अगर एक दूसरे के साथ में लड़ रही है, हमारे साथ में नहीं किसी और के साथ में, तो हमारे ऊपर क्या सेहत पर इंपैक्ट पड़ रहा है, मतलब अगर ईरान और सऊदी अरेबिया लड़ रहे हैं आपस में तो हमारी कंट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। भाई साहब हमारा डायस्पोरा दुनिया भर का रहता है वहां पर, हमारी कंट्री के जो नहीं एक तरीके से हमारे लोग वहां पर रहते हैं जो हमको दुनिया भर का रेमिटेंस भेजते हैं, इसी के साथ में कल को हमारे जो रिसोर्सेज हैं खासकर क्रूड ऑयल वगैरह उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, हमारा जो व्यापार हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो चीजें इंपैक्टेड वहां पर हो सकती है, हमसे बैलेंस बनाने की बात करनी पड़ेगी, बताओ ईरान के साथ में रहना है सऊदी अरेबिया के साथ में रहना है तो हमारे रिलेशन वैसे इंपैक्टेड हो सकते हैं, तो वो चीजें आप लोगों से जानने की कोशिश करते हैं यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी जो भी यहाँ पॉलिसी होते हैं पॉलिटिक्स होती है उस पर क्या पड़ता है, यहाँ पर कंट्री में अलग अलग कंट्री का अलग अलग इंटरेस्ट है, एक साइड में यूएसए हमारे खिलाफ में खड़ा था जब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं 1971 की वॉर में, वही यूएसए आज के में हमारा दोस्त है, उस टाइम पर रसिया हमारे साथ में था, आज के में रसिया कई बार पाकिस्तान का भी साथ देता हुआ नजर आता है, तो कोई भी परमानेंट दुश्मन और परमानेंट दोस्त नहीं होता है, तो उसके चलते चीजों को समझने की कोशिश की जाती है। और इंडियन डायस्पोरा कहीं पर रहता है जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि रेमिटेंस भेजता है अपने देश में पैसा भेजता है, तो उसको भी समझने की बात यहां पर की जा रही है, तो बेसिक है बिल्कुल। अगर बात करें यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे अलग अलग एजेंसीज होती है, यूएन क्या है, आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ठीक है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इतने सारे न्यूज में यहां पर, ठीक है, तो इनके बारे में बात किया था, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, मैंडेट क्या है, प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे आप लोग, अगर आप लोगों ने ध्यान से इसको सुना होगा तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया जीएस पेपर टू, ठीक है, वैसे हो गया जीएस पेपर टू और वैसे हो गया आप लोगों का पेपर, ये हो गया थर्ड। अब आगे बात करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं अगर कंफ्यूजन होगा तो पूछ जरूर लेना, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे पेपर फोर के बारे में और वैसे हो गया जनरल स्टडी पेपर थर्ड, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये अलग से पूरे टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है, फाइव ईयर प्लान के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है, प्लानिंग कमीशन कैसे कैसे देश में चल रही थी, ठीक है, उसके द्वारा जो प्लान बनाए जाते हैं, रिसोर्सेज कहां कहां पर है, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो प्लानिंग, इसी के साथ में यहां पर मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी बातें, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अभी आप लोगों से पहले मैंने कुछ दिनों पहले टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये रेगुलर आप लोगों के हिंदू डिस्कशन के अंदर टॉपिक आते रहते हैं, तो अगर एक बार इनको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लोगे तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे टॉपिक है जो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है, तो इनको हमेशा अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर रखना है। इसी के साथ में इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है, जो भी यहां पर देखने को मिलता है इंक्लूसिव ग्रोथ और इश्यू अराइजिंग फ्रॉम इट, यानी कि जब भी आप लोग इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो उससे क्या क्या चीजें निकल कर आती है। बजट, गवर्नमेंट बजट प्रस्तुत करती है तो इसके ऊपर अलग से टर्म लिखी हुई है गवर्नमेंट बजटिंग, क्योंकि गवर्नमेंट कहां से पैसा आ रहा है, कहां पर पैसा जा रहा है, तो उसके बेस पर ही सारी चीजें देश के अंदर चलती है कि किस एरिया में कितना पैसा दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर किसानों से रिलेटेड बात करेंगे तो मेजर क्रॉपिंग पैटर्न क्या हमारे देश में, कैसी कैसी खेती कहां कहां पर होती है, कैसा हमारा इरिगेशन यानी कि सिंचाई की फैसिलिटी है, वहां पर अगर कोई सामान उगा लिया तो क्या मार्केट तक उसको ले जा पा रहे हैं,
ये देखने को मिलेगा, या फिर क्या क्या इश्यू निकल कर आ रहे हैं, ई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहे हैं। मैंने ड्रोन के बारे में आप लोगों को कुछ दिनों पहले एक टॉपिक पढ़ाया था कि किसानों के लिए ड्रोन का यूज कैसे कर रहे हैं, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें रेगुलरली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो उसके चलते यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती रहती है, ठीक है। इसी रिलेटेड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी, जो सब्सिडी दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कितने आर्टिकल डिस्कस कर चुका आप लोगों से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कितने बातें डिस्कस कर चुका आप लोगों से यहां पर, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। और फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में हजारों बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की है। तो ये डायरेक्ट टॉपिक आप लोगों के रहते हैं जो आप लोगों की समझ में नहीं आते, और मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्लाकर बोलते रहता हूं कि जीएस पेपर वो है, जीएस पेपर वो है। तो इसलिए बोलता हूं कि अगर ध्यान से आप लोग सुनोगे तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों का नहीं होगा, डिटेल में आप लोग चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये बातें आप लोग जरूर याद रखना। टेक्नोलॉजी और मिशन क्या क्या है, इकोनॉमिक्स और इसी के साथ में एनिमल रेयरिंग के बारे में बात की जाती है। तो ये सारे बेसिकली टाइम टू टाइम एडिटोरियल आते रहते हैं इनके ऊपर, तो इसलिए कहता हूं कि उनको कोरिलेट कर पढ़ा करो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में अभी रिसेंटली कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए। फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, खेतों में किसानों ने जो भी उगाया अब उसको हम लोग प्रोसेसिंग करके, जैसे आलू से हम लोगों ने चिप्स बना दिए तो ये प्रोसेसिंग हो गया, फिर मार्केट में निकाल दिया उनको, ठीक है। जैसे टमाटर से टमाटो सॉस बना दिया, ये तो उदाहरण मैं आप लोगों को अक्सर देता हूं, ठीक है। कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर टमाटो सॉस बहुत पसंद है, क्या पसंद नहीं है, समझाने में आसानी है यार उसको, इसलिए बोल देता हूं, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो क्या क्या स्कोप है उसका, किस तरीके से किसानों की इनकम डबल हो सकती है, वो सारी चीजें, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बोले ना कोल्ड स्टोरेज चेन की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, कि आप लोग अगर किसानों में जो खेतों में सामान बर्बाद हो जाता है तो उसको अगर हम लोग प्रॉपर एक कोल्ड स्टोरेज चेन के थ्रू अगर लोगों तक पहुंचाएंगे तो कैसा रहेगा, तो वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में बात करते हैं लैंड रिफॉर्म के बारे में। हमारे देश में अगर बात की जाए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। पीडीएफ बीच में क्रैश हो गई, ये बोला है इतना जोर देकर कौन पढ़ाता है तो इसलिए फिर से पीडीएफ रिस्टार्ट हो रही है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ पर वो जो भी मैंने अब तक येलो पीला वो नहीं पीला वीला किया था वो सारा खत्म हो गया, तो फिर से प्योर पीडीएफ आप लोगों के सामने आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये देखिए आप लोग सारा गायब हो गया, चलिए कोई नहीं, समझ में तो आप लोग आ रखा है ना। हम लोग कहाँ पर थे, लैंड रिफॉर्म पर थे, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म के बारे में बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में इफेक्ट ऑफ द जो लिबरलाइजेशन के बारे में मैंने अलग से चैप्टर बना रखे हैं, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बारे में आप लोगों ने उसको देखा होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, वो सारी चीजें हमारे देश में कैसे कैसे चीजों को लेकर चला, आईटीज वगैरह डेवलप किए गए हमारे केस में, डैम वगैरह बनाए गए, प्रॉपर वे में इंडस्ट्रीज को आगे लेकर चला गया, वो सब चीजें। ये आप लोगों का इकोनॉमी का सेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में अंदर आ जाता है कि एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज, तो ये रेगुलरली इसके ऊपर आप लोगों को जैसे नहीं हिंदू के अंदर आप लोगों के आर्टिकल आते रहते हैं तो कवर होते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा है कि हम लोग बात करते हैं एफडीआई के बारे में, एफआईआई के बारे में, बहुत सारे अलग अलग तरीके इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या है बेसिकली, ठीक है, और उनका एप्लीकेशन क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग डेली डे बाय डे की लाइफ में उनको यूज करें, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ में अचीवमेंट्स क्या है इंडियंस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, हमारे देश के द्वारा क्या अचीवमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इंडिजिनस यानी कि हमारे द्वारा क्या डेवलप की गई टेक्नोलॉजी और कौन कौन सी डेवलपिंग कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर फोकस रहता है। यहां पर अवेयरनेस फैलाते हैं किसके बारे में, आईटी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस के बारे में, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे और इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, या फिर क्या क्या हमारे अधिकार हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब क्या क्या हम लोगों ने इनके ऊपर काम किया है, तो वो भी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कंजर्वेशन के बारे में, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में, डिग्रेडेशन के बारे में, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में, तो अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है। देखा था ना आप लोगों ने कि गवर्नमेंट अभी बोल रही है यहां पर कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बेस पर राज्य को बेसिकली रेटिंग दी जाएगी, तो याद होगा आप लोगों ने मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। देखिए लेक्चर मुझे पता है थोड़ा सा लंबा हो गया, पर लेकिन जितने डिटेल में मैंने चीजें पढ़ाई है ना आप लोगों को बताइए इसके अंदर, अब आप लोगों को कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ में सुनिएगा, और आप लोग बेसिकली पेशेंस के साथ में सुने क्योंकि यही बेसिक नींव है आप लोगों के स्टार्टिंग की, अगर इसको नहीं समझोगे तो फिर सारी चीजें ऐसी ही पड़ी रहेंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में डायरेक्ट टॉपिक आते रहते हैं कि यहां पर लैंडस्लाइड हो गया है, यहां पर अर्थक्वेक आ गया है, ठीक है, यहां पर साइक्लोन आ गया है, तो यहां पर सुनामी आ गई है, तो ये सारे टॉपिक आप लोगों के बकायदा मेंशन है, ठीक है। लिंक बिटवीन द डेवलपमेंट, एक तरीके से लिंकेज करना है डेवलपमेंट, और इसी के साथ में यहां पर एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको समझ सकते हैं कैसे यहां पर डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म को क्या तरीके से लिंक किया जा सकता है, इसके चलते देखने को मिलेगा। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट और नॉन एक्टर्स, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा ना अभी यहां पर हमारे देश के अंदर अगर आप लोग बात करें जो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है, ये इश्यूज निकलकर आप लोग आ जाते हैं, या बाहर से आप लोग देखिए पाकिस्तान और चाइना की हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये सब आप लोग यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी वाले इश्यू के अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं फिर यहाँ पर, आगे अगर बढ़ेंगे तो बात की जा रही है चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी की, अलग से बात की जा रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात की जाती है, कहाँ पर हम लोग बात करें, रोल ऑफ मीडिया क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात की, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि गलत तरीके से कमाए गए पैसे को वाइट कराने की कोशिश की जाती है, और कैसे इसको रोकना है। तो ये सारे ऐसे इश्यूज हैं, अगर रेगुलर आप लोग वीडियो सुने तो आप लोग ने सोचा होगा इनके बारे में, यार ये तो सारी चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि न्यूज पेपर में ये सारे इस सोसाइटी के इश्यू हैं और टाइम टू टाइम ये कवर होते रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इजी लग रहा होगा सुनने में भी थोड़ा सा। अगर बात करें सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में बात की जा रही है, क्या क्या यहाँ पर एक तरीके से बात की जा रही है कि क्या क्या मैनेजमेंट है, बॉर्डर इश्यूज के बारे में बात की जा रही है, कौन कौन से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, टेररिज्म के बारे में बात की जा रही है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में आप लोग कई बार पढ़ाता हूँ, ठीक है, कि बीएसएफ यहाँ पर काम कर रही है, सीएसएफ ये काम कर रही है, हमारी कंट्री एयरफोर्स आर्मी ऐसे काम कर रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ये रो के बारे में कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये पूरा आप लोगों का जीएस पेपर थर्ड हो गया और वैसे पेपर नंबर फोर्थ हो गया, तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब चलते हैं यहां पर आज का जो लास्ट पेपर है यहां पर, उसको वैसे तो आप लोग जीएस पेपर बेसिकली फाइव, वैसे तो पेपर फाइव बोलेगा पर लास्ट पेपर बोला जनरल स्टडी का, क्योंकि जनरल स्टडी के अंदर चार पेपर होते हैं, ठीक है। तो पहला जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पहले पेपर में क्या था, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह था, दूसरे पेपर में पॉलिटी वगैरह, तीसरे पेपर में यहां पर आप लोगों को ये साइंस वगैरह इकोनॉमिक्स वगैरह देखने को मिला। अब तीसरा ये पेपर है जिसको आप लोग एथिक्स बोलते हैं, ठीक है, तो यहां पर एथिक्स और इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड तीन टर्म बेसिकली इसके अंदर लिखी गई है, पर लेकिन जो पेपर है वो यहां पर कई सारी चीजें इंक्लूड करके चलते हैं, यानी कि ये लिखा गया इनके इनके द्वारा अलग से एक पैराग्राफ लिखा गया। वैसे तो यहां पर बात करेंगे एथिक्स एंड द एक तरीके से यहां पर ह्यूमन इंटरफेस क्या है, ठीक है, इसको समझाया गया, इसी के साथ में एप्टीट्यूड यहां पर आप लोगों को बताया गया, ठीक है, तो यहां पर अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, पर लेकिन रियलिटी में लिखा गया कि दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड एंड अप्रोच टू द इश्यूज रिलेटेड टू द इंटीग्रिटी, इसी के साथ में प्रोबिटी इन द पब्लिक लाइफ और हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, वेरियस इश्यूज जो भी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं या फिर जो फेस किए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा, उसको कैसे सोल्व करता है, ठीक है। इसी के साथ में क्वेश्चन में यूटिलाइज द केस स्टडी, केस स्टडी जैसे आप लोगों को लगभग 50% पेपर आता है आप लोग केस स्टडी का, तो केस स्टडी के बारे में बात करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कैसे क्या क्या एक्सपेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उसके चलते यहां पर इनके द्वारा ये पूरा सिलेबस दिया गया है। यानी कि आज की डेट में जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं ना, उस सोसाइटी को आप लोगों को समझना है, वो सोसाइटी अगर आप लोग अच्छे से समझ पाते हैं तो वहीं से आप लोगों की सारी चीजें मैक्सिमम आप लोगों की निकल जाएगी। तो सोसाइटी को ढंग से ध्यान से देखकर आप लोगों को चलना है, ये बोलने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, समझ में आ रहा है ना। सोसाइटी को रह रहे तो सोसाइटी में देखो कहां पर सोसाइटी में कोई दिक्कत हो रही है, उसका आप लोग अगर सोल्यूशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो वो सारी बातें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। तो इसके चलते यहां पर एथिक क्या है और ह्यूमन इंटरफेस क्या है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, कैसे सेंस बनता है, डिटरमिन एक तरीके से देखिए सारी चीजें लिखी गई हैं प्रॉपर एक एक बातें, ठीक है, कि एसेंस क्या है, इसी के साथ में डिटरमिनेंट क्या है यहाँ पर, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं यहाँ पर ऑफ द एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, ठीक है, क्या क्या डायमेंशन है एथिक्स की, एथिक्स को समझाया गया पूरा यहाँ पर, क्या प्राइवेट और पब्लिक रिलेशन होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं उसके बारे में आप लोगों से बातें पूछी जा रही है, क्या क्या टीचिंग्स है जो ग्रेट लीडर पढ़ाए गए हैं, जैसे हम लोग पुराने लीडर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि गांधी जी ये बोल कर गए, अंबेडकर जी ये बोल कर गए, तो उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, रिफॉर्म्स क्या क्या है यहाँ पर जो रिफॉर्मर्स के द्वारा जो रिफॉर्म लेकर आए गए, ठीक है। सोसाइटी में अगर बात करें रोल ऑफ द फैमिली क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या यहाँ पर वैल्यूज देते हैं, बताते ना कि बचपन में पता चल जाता है कि परिवार में कैसा रहा है, इसकी परिवार की अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, जैसा परिवार में माहौल होगा ऐसा ही बच्चा होगा, आप लोगों ने कई बार सुनी होगी ये लाइन, तो वही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बच्चे का माहौल जो रहता है उसके परिवार के हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, तो वही बातें हैं आप लोगों के सामने यहां पर। इसी के साथ में बात करें एटीट्यूड के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर कंटेंट स्ट्रक्चर या फंक्शन क्या क्या है, इन्फ्लुएंस क्या होता है, रिलेशन इसी के साथ में बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, मोरल और इसी के साथ में जो पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे, सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, परसुएशन, ये सारे देखिए यहां पर मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, जो टर्म्स यहां पर लिखी हुई है ना, अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने बैठूंगा एक एक टर्म्स को तो मुझे लग रहा है 4-5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जहां जहां पर सिलेबस में कुछ कंफ्यूजन आप लोगों होगा ना उसको जाकर एक बार सर्च करना, जैसे एटीट्यूड के बारे में एक बार लिखना और गूगल पर सर्च करना, एथिक्स के बारे में, ह्यूमन इंटरफेस के बारे में, तो ये आप लोगों को कई कई इनके ऊपर कुछ डेफिनेशन खुल के आएंगे जिनको आप लोगों को समझने में हेल्प मिलेगी। तो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दे रहा हूं यहां पर, लेकिन थोड़ा सा टाइम आप लोगों को खुद से भी इसके ऊपर बिताना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग इसके साथ में दोस्ती कर सकें, क्योंकि कोई चीज आप लोग तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक आप लोग उसको ढंग से उसके साथ में टाइम नहीं बिताते हैं। जब आप लोग टाइम बिताना स्टार्ट करते हैं तभी तो इंसानों को भी समझते हैं, तो सिलेबस को भी ऐसे ही समझना है, उसके साथ में टाइम बिताओ ये समझ में आने लगेगा आप लोगों को, ठीक है। फोर्थ पेपर की खासकर स्पेशली बात करूं, क्योंकि बाकी के पेपर तो आप लोग आसपास में देखते हैं, हालांकि है ये आप लोग के आसपास का ही, पर लेकिन आप लोग उसको इग्नोर करते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। इसी के साथ में बात की जाए यहाँ पर एप्टीट्यूड और इसी के साथ में फंडामेंटल वैल्यूज क्या क्या होती हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, इसी के साथ में नॉन एक तरीके से पार्टीशन से पहुंचाई, एक तरीके से इंसान यानी कि अपने
एक तरीके से नहीं कहते कि किसी किसी के फेवर में काम कर देना, ठीक है, तो वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, उससे डिस्टेंस बनाकर रखनी है। नॉर्मली आप लोगों ने सिंपैथी के बारे में सुना होगा, यहां पर एम्पैथी और अच्छे लेवल पर पहुंच गई चीजें कि हाँ इंसान उसको फील कर पा रहा है, समझ पा रहा है। ऑब्जेक्टिव डेडिकेशन क्या क्या है पब्लिक सर्विसेज के, टॉलरेंस के बारे में बात की जा रही है, इसी के साथ में कंपैशन के बारे में बात की जा रही है टुवर्ड द वीकर सेक्शन कि हाँ उसको कैसे देखता है, सो नहीं दादागिरी चला रहा है वहां पर कि है तो दबा कुचला सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, तो वो वाली चीजें यहां पर नहीं होनी चाहिए। यानी कि हर लेवल पर आप लोगों से यहां पर काम करने की एक्सपेक्टेशन की जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ आकर बोल दिया उसके बहकावे में आ गया और पता नहीं क्या क्या डिसीजन ले डाले, ठीक है। इसी के साथ में कैसे यूटिलाइज करना है एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस, इसके बारे में बात की जाती है। ओके, तो यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, तो ये आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आएगा। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन क्या है, यहां पर मोरल थिंकर का, फिलोसफर जो भी यहां पर इनके बारे में बातें करते हैं कि कैसी सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है, कि ये सारे आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा इनके बारे में कि ये कौन कौन से जो पुराने जो थिंकर थे क्या क्या बोल के चले गए, ठीक है। कई बार आप लोगों ने चाणक्य साहब के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कई बार आप लोगों ने वर्ल्ड लेवल पर कई सारे थिंकर हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। अच्छा, इनकी कोटेशन आप लोगों से डायरेक्ट पूछी जाती है कई बार, ठीक है। तो पब्लिक और सिविल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, वैल्यूज एथिक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अलग से टॉपिक आप लोगों का दे रखा है यहाँ पर। इसी के साथ में बात करें तो प्रोबिटी इन द गवर्नेंस, ये अलग से टॉपिक दे रखा है, ठीक है, आप लोग समझिएगा। तो स्टेटस एंड द प्रॉब्लम के बारे में बात की जा रही है, एथिकल कंसर्न क्या क्या है, डायलेमा क्या क्या है, क्या क्या चीजें गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलती है, क्या क्या लॉज रूल्स रेगुलेशन देखने को मिलेंगे इसके बेसिस पर। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें एथिकल गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथ करना एथिकल और मोरल जो वैल्यूज होती है गवर्नेंस, एथिकल इश्यूज क्या क्या यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन में फंडिंग को लेकर कई बार आ जाते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कई बार आ जाते हैं। तो यानी कि एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे लेकर आप लोगों को चलना है, उसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं, वो बातें आप लोगों के सामने बता रखी है, ठीक है। इसी के साथ में प्रोबिटी इन गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस क्या है, ठीक है। फिर इसी के साथ में बात करते हैं फिलोसफिकल बेसिस क्या है गवर्नेंस का, और इसी के साथ में प्रोबिटी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन और शेयरिंग के बारे में बात करें तो कितना ट्रांसपेरेंट मैनर में काम किया जा रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में यहां पर आ जाएगा, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में यहां पर आ जाएगा, इसी के साथ में कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आ जाएगा, सिटीजन चार्टर आ जाएगा और वर्क कल्चर, इसी के साथ में क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी कैसे आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन होने के नाते, एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते, फंड को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है और इसी के साथ में क्या क्या चैलेंजेस है करप्शन के, ये सारी बातें और सब चीजों के ऊपर केस स्टडी आप लोगों को देखने को मिलती है। हर संडे में एक केस स्टडी मैं आप लोगों को देता हूं जो कि पुराने क्वेश्चन पेपर से होती है या फिर जो भी न्यूज में होती है, तो उनको अगर आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो आधे से ज्यादा पेपर आप लोगों यहां से कवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये, अगर आप लोग सिलेबस को पूरा देखोगे ना उठाकर, तो मैं भले ही आप लोगों को न्यूज पेपर और यहां पर बेसिकली अलग अलग आर्टिकल्स डिस्कस करता हूं, पर इनडायरेक्ट वे में आप लोग देखोगे तो मैक्सिमम चीजें जो है वो आप लोग यहां पर बहुत सारी मैं कवर करा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, अभी फिलहाल अगर देखें तो जीएस पेपर हम लोगों ने कवर कर लिया, यहां पर बेसिकली चारों के चारों ऐसे कवर कर लिया है, इसी के साथ में यहां पर आप लोगों का पेपर वन और पेपर टू हो गया। अब बच गए आप लोगों के ऑप्शन सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सब्जेक्ट में अगर आप लोग देखोगे तो अलग अलग ऑप्शन सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, ये सारी आप लोगों का हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या फिर जूलॉजी वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो मुद्दा क्या है यहां पर, ये मुद्दा यहां पर ये कि इनका सिलेबस जो है वो आप लोगों को अपने आप देखना है। रीजन क्या, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर यहां पर मैं ये सिलेबस आप लोगों को बताने बैठूंगा तो इतने सारे बेसिकली यहां पर वो हैं, आप लोग पेज देखेगा इनके, ठीक है, यहां से स्टार्ट कौन से पेज से हो रहा है आप लोग ये देख ले, 33 पेज से स्टार्ट हो रहा है, और यहां पर अगर आप लोग बैठोगे तो ये सारे आप लोगों के सामने यहां पर ही निकल कर आएंगे। तो जो भी सिलेबस आप लोगों का है, मतलब जो भी ऑप्शन आप लोगों का होगा उसके बेस पर आप लोग सिलेबस देख लेना। और कई सारे बच्चे पूछते हैं सर ऑप्शन सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, तो उसके ऊपर यार ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसको जाकर सर्च कर लेना, ऑप्शन सब्जेक्ट कैसे चूज करना है बाय वीर सर्च कर लेना, तो सारी चीजें आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो ऑप्शन सब्जेक्ट के बारे में बताने का मतलब है कि कम से कम 5-6 घंटे की वीडियो, क्या उससे भी ज्यादा हो जाना, इतने ऑप्शन सब्जेक्ट है आप लोगों के, ठीक है। तो इसलिए आप लोग खुद से उसको देखिएगा, जो भी आप लोगों का ऑप्शन सब्जेक्ट है वो सारी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। पर लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया, जो आप लोगों को बेसिकली कॉपी करके रखना है अपने पास में, वो आप लोग जरूर देख लेना, यहां पर पेज नंबर 28 से आप लोग इसको स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये कई सारे बच्चे कई लंबे समय से मेरे से बातें कर रहे थे सर इसके बारे में जरूर बताना, मुझे लगा यार टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर लेकिन इसके बारे में ढंग से बता देता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में कोई डाउट न रहे। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगर डाउट नहीं है तो थम्स अप देकर बताना, अपना प्यार दिखाना, लाइक कर वीडियो को, इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को इससे कुछ फायदा हुआ है, ठीक है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, आगे भी गाइडेंस की ऐसी वीडियो आती रहेंगी। पॉलिटी के जो लेक्चर मैंने बना रखे उनको जरूर देखना, जो मंथली वीडियो आप लोग की आती है उनको आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप लोग अपनी स्टडी को लेकर चल सकें, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी कमी कोई खामियां रह गई हो तो उनको बताना, आने वाले लेक्चर में यार जरूर दूर करूंगा। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ इस सिलेबस की मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूं। टेलीग्राम पर जाकर अगर आप लोग देखोगे, यहां पर स्टडी लवर वीर के नाम से यहां पर टेलीग्राम ये ग्रुप है, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं।
यहाँ पर ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आप लोग आया था यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको जाकर डाउनलोड करना, या फिर यूपीएससी की वेबसाइट से भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर चीजें हैं, मैं ऑलरेडी यहाँ पर पिन कर चुका हूँ। आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, जिसको जो भी कंफ्यूजन हो, आईएएस की तैयारी कैसे करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है, ठीक है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, ऑप्शन सब्जेक्ट कैसे चूज करना चाहिए, ठीक है, अच्छा निबंध कैसे लिखना है, सीसेट को कैसे कवर करना है, ये सिलेबस वाला लेक्चर आप लोगों का बचा हुआ था, आज ये भी कवर हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब कोई डाउट होगा तो बताएगा उसको, आगे आने वाले टाइम में फिर उसको कवर करूंगा। बाकी टेलीग्राम पर आप लोग जरूर कनेक्ट रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोगों की सारी दिक्कत जो है वो यहाँ पर दूर हो जाती है। तीन टेलीग्राम ग्रुप है, एक पर यहाँ पर चीजें मिल जाती हैं, दूसरा यहाँ पर आंसर राइटिंग और तीसरा पीडीएफ का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।